12 May 2018 हम होलिस्टिक स्पिरिचुअल डिस्कशन करके भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे. इनवो कर लेते हैं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय. प्लीज फॉरगिव अस इफ वी कमिट एनी ऑफेंसेस ड्यूरिंग द भगवद गीता सेशन. प्लीज मेक मी एज योर माउथ पीस, यूज मी एज योर माउथ पीस. And whatever knowledge you want to impart to everyone, please use me as your channel. Please help us purify ourselves so that we become pure channels for your divine work. Kindly bless everybody who is attempting to hear the Bhagavad Gita session so that they can hear it without any obstacles. May all the obstacles be transmuted and removed. So be it. Please bless our houses, our families, so that your divine energy can improve all the aspects of our life. Thank you and fulfilled. So be it. Okay. यूजुअली मैं जब भगवत गीता सेशन बोलती हूँ तो वो स्पॉन्टेनियस रहता है. मतलब मैं कोई प्रायर प्रिपरेशन नहीं करती हूँ. मुझे तो ये भी याद नहीं रहता है कि लास्ट वर्स कहाँ तक था. मुझे इंद्रनील को पूछना पड़ता है मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक बोला था, फिर उसके बाद से मैं स्टार्ट करती हूँ. तो पर फिर भी लास्ट वाले सेशन के टाइम पे मैंने एक छोटा सा वो बनाया था नोट्स की, क्योंकि मुझे किसी मेंबर ने कोई क्वेश्चन पूछा था और मुझे उसका आंसर करना था. लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, वो पढ़ते पढ़ते भी मेरा फ्लो जब स्टार्ट हो जाता है मैं वो भी भूल गई. तो इस बार मैंने बाकायदा 1, 2, 3, 4 लिखकर कुछ लिखा है, बिकॉज कुछ मेंबर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछा है मुझे जिनके बारे में मुझे डिस्कस करना है. उसके साथ साथ मेंबर्स को छोड़ो, ऊपर से भी मुझे बहुत बार टक 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 करके बार बार कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने को कहा जा रहा है. तो इसलिए मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं. मैं आप लोगों को वो थोड़ा सा बता देती हूँ किस पॉइंट पे बात करेंगे और उसके बाद हम भगवद गीता कंटिन्यू करेंगे. तो एक है कि थिच हाट हाँ बोल के एक वेतनाविस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क है जो कि पीस एक्टिविस्ट भी है. उनका मैंने एक वीडियो लगाया था व्हाट इज ट्रू लव, उस पर डिस्कस करना है. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये. आप ये मत बोला रहे लव लगता हमको पता है, नहीं. ये जैसे हम जान जाएंगे हम एक्चुअली हमें समझ में आ जाएगा कि हमने बर्थ क्यों लिया है. एक्चुअली हमें सृष्टि की बात समझ में आ जाएगी कि हमें करना क्या है. तो इसको हल्के में मत लो. और ये अभी राइट टाइम है, हम हमारे ग्रुप और जो जो लोग भगवद गीता सुन रहे हैं उनके लिए इसीलिए ये नॉलेज अभी आ रहा है. हाँ पहले पहले था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है. इसको समझना भी बहुत मुश्किल है, इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल है. पर हम लोग ट्राई करेंगे. मैं ट्राई करूंगी उसको जितना सिंप्लीफाई करके बता सकूं, जैसे मैं अपने एग्जांपल्स से बताती हूँ. मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आप लोग भी अवेयर रहिए. दूसरा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपर से टक टक करके बोल रहे हैं मुझे, दैट इज वी आर वन विथ गॉड, वन विथ ऑल. इसके ऊपर एक एलैबोरेट डिस्कशन होना जरूरी है. थर्ड है कि बी इन लव इंस्टेड ऑफ गिव लव और टेक लव, इस पे थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन होगा. और फिर रामकृष्ण परमहंस के ऊपर एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में बताया जाएगा. तो ये मैंने इस बार नोट्स लिखा है कि मुझे ये सब बोलना है. फिर भी अगर मैं स्किप करके भूल गई तो मैं माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती रहती हूँ मुझे सच में नहीं पता रहता है मैं क्या बोल रही हूँ. वो एक फ्लो में होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है. यहाँ पे अबरडीन में एक अंकल हैं, वो प्रोफेसर हैं, वेरी काइंड पर्सन, बहुत ही अच्छे हैं. उन्होंने मेरा एक भगवद गीता सेशन सुना था और उन्होंने मुझे घर पे इनवाइट किया था. वो किसी को घर पे बुलाते नहीं है, बट उन्होंने मुझे इनवाइट किया था. फिर उन्होंने मुझे पूछा था कि मुझे लेक्चर लेना होता है तो मैं 3-3 दिन पहले मुझे प्रिपरेशन करना होता है, तो मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, बिना रिपीट किए कैसे बोलती हूँ. मैं कहा मुझे नहीं पता, कोई और बोलता है मुझे यूज करके. तो आप सब लोग भी ऐसे चैनल बन सकते हो. बस वो जो मेन पावर हाउस है ना, वहां पे सिर्फ आपको अपना प्लग डालना पड़ेगा और कुछ नहीं. क्योंकि जो चीजें मैं बोल रही हूं, मैं ये नोटिस कर रही हूं कि
इसी लाइन में बाकी लोग भी बोल रहे हैं, संदीप महेश्वरी, सिस्टर शिवानी और भी बहुत सारे लोग हैं कि ये कंसेप्ट बोल रहे हैं। मतलब डेफिनेटली ऊपर कोई स्पिरिचुअल मास्टर है जो इस नॉलेज को सब पे बरसा रहा है। अब जिसका प्लग कनेक्ट हो गया उसको ये मिल गया नॉलेज। नॉलेज वो सभी को बरसा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को, ऊपर से वो सारा नॉलेज हो रहा है। हम बस अपने प्लग को उनके सॉकेट में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और वो होगा कनेक्शन जैसे ही हमारी प्यूरिफिकेशन लेवल बढ़ेगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा। और उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है वो क्या करना है। हाँ, सारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, राइट। एक मजेदार बात आपको बतानी थी, हमारे एक मेंबर का फीडबैक था, मतलब एक्सपीरियंस था, मुझे किसी और से पता चला, सेशन सुनने के बाद लाला लाला का इफेक्ट जो मेरा, मैं जो हमेशा कहती हूँ ना लाला लाला, उसका इफेक्ट किस, वो मेंबर को हमेशा अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम होती थी, हस्बैंड उसको ताना मारते थे, वट एवर, बहुत बहुत पुरानी बातें लेकर भी ताना मारा जाता था। तो उस दिन भी कुछ दिन पहले उसका हस्बैंड ने फिर से शुरू किया ताना मारना, तो उसने एकदम स्माइल करके बोला, मैं तो गुस्सा नहीं होंगी, मुझे पता है आप तो मुझे इरिटेट करना चाहते हो, पर मैं तो इरिटेट नहीं होंगी, मैं तो लाला लाला करके गाना गाऊंगी, मैं तो इरिटेट नहीं होंगी, मैं तो लाला लाला गाना गाऊंगी। ऐसा उसने लिटरली अपने हस्बैंड को बोला, उसके हस्बैंड चौक के चुप हो गए, फिर उसके हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला। तो मुझे बहुत हंसी आई, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत जोर से हंसी आई ये जानने के बाद। तो लेकिन दिस इज वेरी गुड, क्योंकि देखो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो गया। उससे पहले क्या होता था, वो इंसान, उसके हस्बैंड जो भी बोलते थे वो अपने अंदर डालती थी, फिर वो दुखी होती थी, वो परेशान रहती थी, फिर वो एक नेगेटिव कॉर्ड बन जाता था सब कुछ, और उसके हस्बैंड का भी बैड कर्मा जनरेट होता था, वो भी उनके बारे में जो भी बुरा सोचती थी, कुछ देर तो बुरा सोचेगी ना, उसके बाद भले जो भी स्टेप्स ले, तो फिर वो फिर से वही सब। ये बहुत अच्छा हुआ। तो इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, जो मैं भगवद गीता सेशन में बता रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। तुम्हें पता है, जो भी तुम मेंबर हो तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तो मेरे तरफ से तुमको एक पप्पी, ठीक है। राइट। तो आप सब लोग भी जो आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज ग्रुप में अपना कंसर्न बताओ। एंड मैं बोलूंगी आप लोगों को बार बार कि जो चीजें मैं आप लोगों को प्रेस्क्राइब कर रही हूँ, प्लीज आप ट्राई तो करके देखो, कोशिश तो करके देखो, बिना अपनी अकल लगाए, फॉर नाउ अकल मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है जो इतने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। आप अभी उसको रेजिस्ट करोगे, रिजिडिटी करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और हम सबकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो बेसिकली यू जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग इट, बाकी कुछ मत सोचो, करते रहो, इवेंचुअली एक कनेक्शन जुड़ जाएगा और आपका सच में आप डिफरेंस फील कर पाओगे जो बाकी लोग फील कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ विल इम्प्रूव। ये तो हमेशा परेशान दुखी होना, कितना टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, बहुत कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है। तो ये सबसे हमें अभी बहुत उठना है। आज जिस बारे में हम बात करेंगे, दिस इज अनदर हायर लेवल, ओके। तो हम वो उस पर डिस्कशन पे आते हैं। और कुछ बताना था मुझे? या थैंक यू एवरीबॉडी आपके फिर से ब्यूटीफुल फीडबैक्स के लिए जो आप लोगों ने वेबसाइट पे लिखा है, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, जो वेबसाइट पे भी लिख रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और आपके ये कमेंट्स से दूसरे लोग जो पढ़ेंगे उनको भी मोटिवेशन फील होगा, एंड उनको भी भगवत गीता सेशंस आप सुनाओ, जैसे उनके लाइफ में भी सुधार आ सके, जो हमने टेस्ट कर लिया वो बाकी लोगों को टेस्ट कराओ, जैसे उन्हें भी सुख मिल सके। तो इससे अच्छा हम किसी के लिए कर नहीं सकते हैं। बाकी चीजें टेम्पररी हैप्पीनेस देगी, ये परमानेंट हैप्पीनेस होगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए सोल से वो सीड निकल जाएगा जिसके लिए सफरिंग होती है, तो नेक्स्ट जन्म भी उसके सुखी रहेंगे। बेसिकली जब हम वो उस मटेरियल को निकाल देंगे अंदर से जो हमें पेन करता है, सपोज बॉडी के अंदर एक ट्यूमर है, ट्यूमर को हटा दिया तो फिर वो पेन ही चला गया, और वो जब तक नहीं जाए, उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, नहीं हटेगा ना। तो ये सेशंस एंड ऑल हमें हेल्प करता है अवेयरनेस करने के लिए और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए हमारे अंदर, कि कहाँ पे वो छोटे छोटे ट्यूमर्स हैं जिनको हटाना है, जिससे हमारा पेन चला जाए बेसिकली। और कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है और हमारे अंदर से हटाना है, सामने वालों और सामने वाले सिचुएशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो है सिर्फ हमें पता लगाने के लिए कि देखो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है,
वो सारे ट्रिगर्स हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे नहीं तो, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे भी आज सेशन बड़ा हो सकता है, मैं पहले से माफी मांग लेती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से इसको सुनो, ओके। और मुझे ये भी पता है कि अब एवरी वीकेंड सेशन आ रहा है तो आप लोगों की भी सांस अटक जा रही होगी, बहुत लोग दौड़ दौड़ के सुनते होंगे, पर मैं क्या करूं, खत्म भी करना है ना। मैं अभी तक 9 चैप्टर पर हूँ, सोचो कितना सारा और बताना है। फिर श्रीमद् भगवत हम कब स्टार्ट करेंगे? तो इस वजह से आप लोग प्रायोरिटाइज करके ये सुनो, क्योंकि ये है पूरा एक नटशेल में सारा जो ज्ञान, ओके, पूरा एकदम इधर उधर का जो भी इम्पोर्टेंट ज्ञान है उसको डाइजेस्ट करके फिर आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आप अपने और ज्ञान बढ़ाओ ना बाकी वीडियोज और वो सब देख कर। पर यह है पहले जो बेसिक ज्ञान जो आप लोग ले लो, फिर उस पर आप वर्क करो, क्या हाँ मुझे अब इसके बारे में और ज़्यादा जानना है। दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी, हर चीज का एक प्रॉपर अप्रोच रखते हैं, ओके। तो हम फर्स्ट वाले उस पर आते हैं कि थिच हट हन, सॉरी मैं जिनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, पर ये जो बुद्ध, मैं बुद्धिस्ट मॉन्ग बोलूंगी, मैं उनका नाम नहीं ले पा रही हूँ। ये जो बुद्धिस्ट मॉन्ग है उन्होंने, उनका एक वीडियो मैंने फेसबुक पे लगाया था, वॉट इज ट्रू लव पे। हाँ, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं पहले बता दें। अगर हमें ये, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ ट्रू लव, ये 4 एलिमेंट्स ऑफ ट्रू लव होता है। तो अगर इस 4 एलिमेंट्स को हम समझ लेते हैं तो अगेन हम एक स्टेप हायर चले जाएंगे ऊपर, हमारा कर्मा भी इससे बहुत बच जाएगा, बैड कर्मा बहुत बच जाएगा, और हमारी कनेक्शन विद डिविनिटी विद कृष्णा भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है द फर्स्ट इज मैत्री। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ ट्रू लव, द फर्स्ट इज मैत्री। मैत्री मतलब होता है लविंग काइंडनेस और बेनेवोलेंस। लविंग काइंडनेस का मतलब क्या होता है कि द डिजायर, नॉट ओनली द डिजायर लेकिन द अबिलिटी टू मेक समवन हैप्पी, टू ब्रिंग जॉय टू अ बिलवड पर्सन। हम मतलब क्या है ना, हम सबके मन में डिजायर होता है, हम सब किसी ना किसी से प्यार करते हैं, सो कॉल्ड प्यार। वो प्यार क्या है उसको, उसका पोस्टमार्टम हम बाद में करेंगे, अभी के लिए आप सब लोग समझ लो आप जो करते हो वो प्यार है, एक्चुअली वो है नहीं। हाँ, लेकिन अभी के लिए समझ लो चलो वही प्यार है। तो हम सबके लाइफ में कोई ना कोई है जिससे हम प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ डिजायर हमारे, तो हमारे मन में डेफिनेटली इच्छा होती है कि उससे हमें खुशी देनी है। हाँ, उसकी जिंदगी में हमें खुशी लानी है, लेकिन सिर्फ इस डिजायर से क्या वो पॉसिबल हो पाता है? नहीं हो पाता है। हमें एबिलिटी चाहिए, मतलब काबिलियत चाहिए कि हम उसके जिंदगी में प्यार खुशी ला सकें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो अपने बीवी को सो कॉल्ड, मतलब उनके हिसाब वाला प्यार करते हैं, लेकिन और वो चाहते भी उसकी बीवी को खुशी मिले, पर क्या उनको सच में पता है कि उनकी बीवी को कैसे खुशी मिलेगी? उसी तरह बहुत सारे बीवियां हैं जो अपने हस्बैंड से सो कॉल्ड प्यार करते हैं और वो चाहते हैं हस्बैंड को खुशी मिले, पर क्या वो सच में जानते हैं उसके हस्बैंड को कैसे खुशी मिलेगी? अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज एक बहुत रिच हस्बैंड है और वो, उसको लगता है मुझे अपनी बीवी को बहुत खुशी देनी है, तो वो उसको डायमंड नेकलेस, महंगी महंगी साड़ियां, बड़ी गाड़ी, ये सब कुछ दे रहे हैं। उसे, वो चाह रहा है उसकी बीवी खुश रहे, लेकिन उसकी बीवी को ये सब से कुछ लेना देना ही नहीं, उसकी बीवी सिर्फ उसका टाइम चाहती है कि वो कुछ देर उसके पास बैठे, उससे बात करे, उसकी बातें सुने, उसको समझे, वो कंप्लीट अटेंशन और फोकस उसको दे, उसको गहनों से कुछ मतलब नहीं है। जेनिफर लोपेस का एक गाना था ना, लव डोंट कॉस्ट अ थिंग, वो देखो। अरे इस गानों से भी बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, बस वो राइट, वो हमारा वो राइट इंटेंशन होना चाहिए। तो उसमें भी तो व्हाटएवर, हमें क्या समझना है, हमारे हिसाब से एक हमारी आइडिया होती है कि हम ये करेंगे उस इंसान से तो उसको खुशी मिलेगी, पर क्या वो सच में उसको खुशी देती है? क्या इतना टाइम है हमारे पास ये फाइंड आउट करने के लिए? क्या इतना फोकस हम दे रहे हैं? शायद हम नहीं दे रहे हैं। तो ये मैत्री जो है इसको डेवलप करना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्रू लव। तो अभी फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे, शायद आप
बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कि मैं इतना पैसा कमा लूं कि मैं उसको मतलब उसके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो फॉरेन कंट्री में जाके अपना मास्टर्स करेगा, ये वो उसके लिए इतना पैसा रहेगा. अग्रीड, आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, मतलब दिस इज योर डिजायर टू मेक योर किड हैप्पी, बट इज योर किड रियली हैप्पी? आप थक हार के ऑफिस से आते हो और आपका बच्चा सिर्फ आपके साथ कहता है कि प्लीज मेरे साथ लूडो खेल लो, प्लीज मेरे साथ चेस खेलो, पर आप में एनर्जी नहीं रहती बिकॉज आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो उसके फ्यूचर बनाने के लिए कि आपको आपके पास नहीं है एनर्जी. तो हमें ये समझना होगा कि हमारे हिसाब से जो सामने वाले को खुशी, सामने वाले के लिए जो खुशी है, क्या क्या वो रियली खुशी है? और वो कब आपको पता चलेगा? जब आप उस इंसान को टाइम दोगे, उस इंसान के साथ बैठकर उसके मन के विचार पूछोगे, वो कनेक्शन तब होगा. ओके तो मैत्री को, जब ये हो गया मैत्री, ये हम हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं, हाँ, यही मैत्री जब महामैत्री हो जाती है, दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ बुद्धा. बुद्धा क्या करते हैं? बुद्धा को पता है कि सब, बुद्धा इज इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड अबाउट द जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन बेसिकली. तो अगर आपको वो बुद्धा जैसे क्वालिटीज चाहिए तो आपको फर्स्ट तो मैत्री डेवलप करना होगा और उसको इंक्रीज करके महामैत्री में जाना होगा, जहां पे आपको सबका सुख, सबकी खुशी ये मैटर करे. ये नहीं कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है उनके खुशी के लिए. ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट है, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ट्रू लव इज कंपैशन या करुणा. तो कंपैशन मतलब, करुणा मतलब होता है द डिजायर टू ईज द पेन ऑफ अनदर वन, मतलब सिर्फ डिजायर नहीं, द एबिलिटी टू डू दैट, मतलब किसी और के दर्द को हटाना, कम करना, ये होता है करुणा, कंपैशन. ये हमें अवेयर हमेशा रहना होगा कि सिर्फ, अगेन, ये अगर हमारे आसपास के लोगों के साथ हम सबसे पहले डेवलप करने की कोशिश करेंगे करुणा, जो भी हमारे आसपास, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई मेड सर्वेंट आती है, आप उसको कोई डिजीज है, सपोज कोई स्किन डिजीज है, तो आप क्या करते हो? अरे अरे, ये हमारे घर के सारे चीजों को टच करेगी, वो डिजीज स्प्रेड होगा, इसको हटा देते हैं, किसी और मेड को लगाते हैं. आप यही करोगे? आप, लेकिन अगर आपको करुणा फॉलो करना है तब आप क्या करोगे? आप उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे, उसका इलाज कराओगे, ठीक है. अगर आप उसको अपने घर में नहीं रखना, पर आप उसको कुछ कुछ पैसे पर मंथ दोगे कि या उसके इलाज को पूरा आप स्पॉन्सर कर दोगे. क्यों? अगेन, ओमिशन कमीशन. आपके लाइफ में आया है वो इंसान. अगेन, मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट लगाया था कि गॉड इज द डायरेक्टर, और डायरेक्टर को पता है कि स्टेज पे कौन सा किरदार आपके साथ काम करेगा. एक डायरेक्टर ही डिसाइड करता है ना कि स्टेज पे कौन कौन रहेगा. तो आपके साथ जो भी दूसरा पर्सन रहेगा वो कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर डिसाइड करता है, मतलब भगवान. तो आपके लाइफ में कौन आएगा, किससे आपका मुठभेड़ होगा, किसके साथ आपका इंटरेक्शन होगा, ये भगवान डिसाइड करते हैं. तो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान आ रहा है और आप उसको अपने आप को बचाने के लिए भगा दे रहे हो, तो आपका करुणा वाला एस्पेक्ट डेवलप नहीं हो रहा. तो हमेशा अब अपने अंदर, अगर आपके सामने वो आया है, कोई भी एक सिचुएशन आई है, और या कोई भी एक इंसान आया है जहां पे आप ये करुणा को यूज कर सकते हो खुद को बचाकर, डू इट. मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाँ आपको उस मेड सर्वेंट को घर पे ही रखना है, नो, पर आपको पता चला ना कि आप उसको हेल्प कर सकते हो इस वे से. मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूं, तो हेल्प करो, डेफिनेटली हेल्प करो. अब जब ये करुणा बढ़कर ये सबके लिए हो जाएगा कि सबको हेल्प करना है, सबके दुख को कम करना है, जो हमारा ग्रुप करने की कोशिश कर रहा है, वी आर ट्राइंग, कि सब सबके दुख से मतलब है हमें, एंड इट डजेंट मैटर कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं. ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि सब मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, बाकी लोगों के मेरे बारे में बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं कि रूपाली गुस्सा करती है, रूपाली शॉर्ट टेम्पर्ड है, रूपाली पता नहीं खुद को क्या समझती, हो सकता है, बट इट डजेंट मैटर टू मी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर किसी एक इंसान के अच्छे के लिए कभी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी दिखाना पड़े, दैट इज रिक्वायर्ड, मैं वो करूंगी, क्योंकि इंटेंशन मेरा उसको उसका अच्छा करना.
मैं अगर उस इंसान के साथ हमेशा वैसी टाइप से बात करते रहूं, बार बार वो उसको बोलने के बाद भी कि प्रैक्टिसेस करो प्रैक्टिसेस करो प्रैक्टिसेस करो, वो इंसान प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है और उसको सिर्फ उसके प्रॉब्लम से एक क्विक फिक्स चाहिए, तो मैं डांटूंगी उसको, क्योंकि मैं उसके साथ स्वीट टॉक करूंगी तो उसका कभी ग्रोथ नहीं होगा। मैं जब तक उसको हार्शली नहीं बोलूंगी कि आई विल नॉट हेल्प यू फर्दर बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिसेस। प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आना मतलब है कि हम अपनी सोच को, अपने जीने के तरीके को पूरे तरह से बदले, यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो, दैट इज द रीजन। अगर मैं सिर्फ उसके प्रॉब्लम्स के को देख के ब्लेस ही करती रहूं तो क्या फायदा होगा? प्रॉब्लम्स आने का ही कोई मतलब नहीं है। अगर आपके बॉडी में बुखार हो रहा है आपको, बुखार का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ पैरासिटामोल या क्रोसिन खा के बुखार को कम करोगे तो कोई मतलब नहीं है। बुखार आ रहा है मतलब इज एन इंडिकेशन आपके बॉडी में वायरस बैक्टीरिया जर्म्स का इन्फेक्शन है। मतलब यू बेटर फाइंड आउट कि व्हाट इज रॉन्ग इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में क्या गड़बड़ चल रहा है, दैट इज द इंडिकेशन। तो उसी तरह प्रॉब्लम्स आ रहा है मतलब आपके लाइफ में, आपके सोच में देर हैज टू बी सम चेंजेस। इट इज ओनली अबाउट यू और कुछ नहीं, ये दिमाग में फिट कर लो एकदम, ओनली अबाउट यू। तो मैं प्रॉब्लम को हटा दूंगी मतलब बुखार के टाइम पे पैरासिटामोल ले लूंगी तो वायरस तो रह ही जाएगा ना, वो बैक्टीरिया तो रह ही जाएगा। तो डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, सब कुछ टेस्ट करा के देखना पड़ेगा, फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो वही एंटीबायोटिक डोज हो गया ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। वो जब तक आप नहीं करोगे बुखार तो आता ही रहेगा, अलग अलग टाइम पे आएगा बुखार, कभी जब सुबह आता तभी शाम को आएगा, फिर पेट दुखेगा, एक 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 सिम्टम्स एडअप होते जाएंगे। तो फिर जब रूपाली गुस्सा करती है तो मतलब सोचोगे कि रूपाली ने पहले प्यार से बताया करो करो करो, फिर भी आपको सिर्फ बुखार हटाना है, तो रूपाली गुस्सा करेगी। पर रूपाली का इंटेंशन क्या है? कि आपका जेन्युइनली अच्छा हो। हाँ, मुझे अपने इमेज की परवाह नहीं है, आप लोग मुझे नफरत करो प्यार करो वो आपका आपकी मर्जी है, इमेज की परवाह होती तो फिर सवाल ही नहीं उठता, मैं उससे मीठी बात करती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जेन्युइनली आपका अच्छा हो और इस जन्म के लिए नहीं, परमानेंट वाला आपको बेनिफिट हो जो हर जन्म में आपके लिए अच्छा रहे। तो हमें करुणा से महाकरुणा लेवल पे जाना, पहले तो करुणा लाओ, अभी तक तो करुणा ही नहीं है। और वो होता है ओमिशन। अगर आप एक सिचुएशन को देखकर भी उसमें इन्वॉल्व होकर हेल्प नहीं कर रहे हो, दैट इज ओमिशन। ठीक है, तो ओमिशन नहीं करना है। तो बुद्धा का जो एस्पेक्ट है दैट इज महाकरुणा, महामैत्री, महाकरुणा। वो बुद्धा बोलो या गॉड का बोलो, जो भी कृष्णा का बोलो, कृष्णा को क्या कहा जाता है? करुणा के सागर, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, वो गाना सुना होगा। हाँ, मैं बहुत गानों का रेफरेंस देती हूँ, पूरी बॉलीवुड हूँ, बट व्हाटएवर। तो वो करुणा के सागर हैं, कृष्णा इज करुणा के सागर। तो वो समझो उस लेवल तक जाना है हमें, तो धीरे धीरे वी हैव टू इम्प्रूव, लेकिन फर्स्ट है करुणा लाना। ओके, तो क्या क्या हमने देखा? फोर एलिमेंट्स ऑफ लव में ट्रू, पहला था मैत्री, सेकेंड था करुणा, थर्ड है मुदिता। The third element of true love is joy or mudita. If there is no joy in love, it is not true love. If you are suffering all the time, if you cry all the time, and if you make the person you love cry, this is really not love. It's opposite. आप कहते हो किसी से कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, पर आप उस इंसान को रुलाते ही जाते हो, किसी न किसी वजह से वो रो रही है या रो रहा है। आपका प्यार प्यार नहीं है, मतलब ट्रू लव नहीं है, उसको प्लीज ट्रू लव मत बोलो। यस, कोई और है जो आपसे कहता है कि वो आपको प्यार करता है या करती है, पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम रोते ही रहते हो, तो उस इंसान का भी प्यार आपके लिए ट्रू लव नहीं है। प्यार सफरिंग नहीं कॉज करता है, जॉय लाता है। हम ट्रू लव की बात कर रहे हैं, हम सबके डेफिनेशन वाले लव की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबका डेफिनेशन अलग है, ट्रू लव का डेफिनेशन अलग है। हम ट्रू लव पे जाएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये थर्ड एलिमेंट है मुदिता। तो इफ देर इज नो जॉय इन योर लव, यू कैन बी श्योर दैट इट इज नॉट ट्रू लव। ट्रू लव में जॉय होगा, हैप्पीनेस होगी, कंपैशन होगा, काइंडनेस होगा, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रू लव के। तो अपने लाइफ में देखो, आपको जो भी लग रहा है कि अगर लाइफ में ट्रू लव, आप किसी को ट्रू लव करते हो, कोई आपसे करता है वो तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन आप अगर किसी से बहुत एकदम छाती ठोक ठोक के बोलते हो कि ट्रू लव है,
तो ये सारे एस्पेक्ट्स मैच करके देखो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। फोर्थ एलिमेंट है उपेक्षा, दैट इज इक्वेनिमिटी और फ्रीडम। इन ट्रू लव यू अटेन फ्रीडम। वेन यू लव यू ब्रिंग फ्रीडम टू द पर्सन यू लव। इफ द अपोजिट इज ट्रू इट इज नॉट ट्रू लव। यू मस्ट लव इन सच अ वे दैट द पर्सन यू फील यू लव फील्स फ्री नॉट ओनली आउटसाइड बट ऑल्सो इनसाइड। तो ट्रू लव में फ्रीडम है कि तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, ये वाला है। बड़े मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, हरे कृष्णा चैंटिंग करके साइकोथेरेपी करके फिर संभलता है दिल। हाँ, रूपाली का भगवद गीता सेशन सुन के, शिवानी बहन का लेक्चर सुन के, राइट। तो ये सोचना है कि जो फोर्थ एलिमेंट है दैट इज फ्रीडम, ठीक है। व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम है आप जिससे प्यार कर रहे हो उसको बंधन फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको बंधन फील नहीं होना चाहिए, उसको फ्री फील होना चाहिए। क्या आपके प्यार में उस इंसान को बंधन फील हो रहा है कि उसको फ्री फील हो रहा है, ये आप देखिए। या आपको किसी के प्यार में बंधन फील हो रहा है कि फ्रीडम फील हो रहा है, फ्री फील हो रहा है, ये आप देखिए। अगर बंधन है तो दैट इज नॉट ट्रू लव। देखो कुछ हद तक एक्सपेक्टेशंस होते हैं सबके, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, दैट इज नॉट ट्रू लव, दैट इज अटैचमेंट, दैट इज क्या कहें हम उसको, एडिक्शन, डिपेंडेंसी, ये सब होता है। आपको अपने घर जाना है, अपने माँ बाप से मिलना है, लेकिन आपके माँ आपके हस्बैंड आपको जाने नहीं देते हैं, बोलते नहीं मैं तुमको मिस करूँगा, मेरा कौन ख्याल रखेगा। आप इस चीज़ को ट्रू लव नहीं समझ सकते हो, दैट इज अटैचमेंट। ट्रू लव होता है कि सामने वाले की खुशी से हमें उतना ही मतलब है जितना हमें अपनी खुशी से मतलब है, और जितना हम चाहते हैं कि हमें स्पेस मिले, हमें फ्रीडम मिले, उतना ही हम स्पेस और फ्रीडम सामने वाले को भी दें। अगर आप ऑफिस में जाके चार लड़कियों से बात करते हो और घर पे आके आप यही बोलते हो कि दे आर जस्ट माई फ्रेंड्स, तो आपकी वाइफ भी अगर अपने चार मेल कलीग से बात करे और घर पे आके बोले कि दे आर जस्ट माई फ्रेंड्स, सो यू हैव टू ऑल्सो गिव हर दैट लिबर्टी, और उस वाइफ को भी अपने हस्बैंड को वो लिबर्टी देनी होगी। इस पे हम बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। जब हम लव का मतलब पूरी तरह समझ जाएंगे तब ये चीज समझने में हमारे लिए इजी होगा। तो फॉर नाउ ये चार एलिमेंट्स को याद रखना है, ये रिलेशनशिप पे बेस्ड नहीं बात कर रही हूं मैं, लेकिन एक बात दिमाग से हटा लो, ये एस्पेक्ट्स हमारे अंदर अगर डेवलप नहीं होते हैं हम भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। जब तक हमारे अंदर ये सारे पार्ट्स में डिफेक्ट रहेगा, गड्ढे रहेंगे, कंप्लीटली भरेगा नहीं, हम भगवान से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो भगवान से अगर कनेक्ट होना है तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट कि ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे अंदर जिस पे हमें काम करना है वो होना चाहिए। जैसे हम इन एस्पेक्ट्स पे काम करने लगेंगे ना, हमारी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, इसलिए हम अलग अलग वे से इसको डिस्कस करते हैं, अलग अलग महापुरुषों की बातों को लेकर हम डिस्कस करते हैं, सिंपल सिंपल एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स देकर हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे दिमाग में घुसे, फिर एक क्लिक होता है। लास्ट टाइम के भगवद गीता सेशन में जैसे उशांटी ने बोला कि पहली बार सुना था बहुत अच्छा लगा, सेकेंड टाइम सुना तो और अच्छे से कुछ कुछ समझा। अनंदिता ने बोला कि तीन बार सुना, पहले बार में जो सुना था सेकेंड टाइम लगा रही ये पॉइंट कैसे मिस कर दिया था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो लिख रही है, नोट्स कर रही है। तो हम जितने बार ये सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे हमारे दिमाग में वो बैठता रहेगा। तो होपफुली आप लोगों को ये चार एलिमेंट समझे। सो फर्स्ट इज मैत्री, लविंग काइंडनेस। सेकेंड इज करुणा, दैट इज कंपैशन। थर्ड इज मुदिता, मतलब जॉय। और फोर्थ है हमारा, एक मिनट, फोर्थ है उपेक्षा, मतलब फ्रीडम।
अगर हम किसी से ट्रू लव करते हैं, हम ये चार एलिमेंट्स पे ध्यान देंगे। जैसे ही हमें समझ में आ जाएगा, ये तो अभी मैं इंसान के लिए बोल रही हूँ, जैसे ही हो जाएगा फिर हम धीमे धीमे ऊपर भगवान से कनेक्ट करेंगे। पहले लव फॉर ह्यूमंस हमारा जागेगा, हार्ट चक्रा, उसके बाद लव ऑफ डिवाइन दैट इज क्राउन चक्रा खुलेगा। जब ये दोनों चक्रास हमारे खुल जाएंगे, एनर्जी फ्लो होने लगेगी और तब हम कंप्लीटली हील हो जाएंगे। तो ये सारे जो हमारे चक्रास को खोलने के लिए रोकते हैं ना, हमारे चक्रा सोचो ऐसे ऐसे सोचो एक फ्लावर जैसे होते हैं, क्राउन चक्रा तो लोटस जैसे ही होता है। तो वो जब तक खुलेगा नहीं ना, तब तक एनर्जी आएगी नहीं अंदर। और खुलने देता क्यों नहीं है ये सारे ऑब्स्टेकल्स, ये सारे टेंडेंसीज के वजह से हमारे चक्रास खुल नहीं रहे हैं। ब्लॉकेज है एनर्जी में, ब्लॉकेज है फ्लो ऑफ एनर्जी में, ब्लॉकेज है। और आप लोगों को शायद पता नहीं, पर ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से आपको डिजीजेस भी होते हैं, ये सारे डिजीजेस के साथ भी लिंक्ड है। तो आप ये मत सोचो कि अरे ये सब सुपरफिशियल बातें हैं, लव फव ये सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आपको खुद के हेल्थ में तो इंटरेस्ट है, यहाँ दुख रहा है वहां दुख रहा है, इसमें तो आपको इंटरेस्ट है कि क्यों दुख रहा है। ये सारे जो छोटे छोटे आपको लग रहे हैं ना एस्पेक्ट्स, ये सब जब आपके अंदर एक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक उपेक्षा, मतलब सामने वाले को फ्रीडम ना देना। सामने वाले ने कुछ ऐसा कर लिया, आपके हस्बैंड ने आपको बिना बताए जाके मूवी देख कर आ गए, आपको पता चला, आप क्या करोगे? दो दिन बात नहीं करोगे, खाना नहीं दोगे, या जो भी आपके हिसाब से आप जो भी रिएक्ट करते हो। क्या होगा इससे? आपके अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो गया, नेगेटिव एनर्जी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुआ, और वो टॉक्सिन्स तो अंदर ही रह जाता है ना। लेट मी एक्सप्लेन। आप लोग चलो हम ये थोड़ा जरूरी है बात करना, अगर मेरे दिमाग में आ रहा है लेट मी एक्सप्लेन। हम सब लोग अब इस भगवद गीता और ये सब सेशंस में डिस्कस करते हैं हमारी आत्मा, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हमारी ऑरा एंड एवरीथिंग। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि अगर बॉडी ना हो तो आप स्पिरिचुअलिटी कर नहीं सकते हो। हाँ, बॉडी ना हो मतलब अगर आप भूत हो तो आप भक्ति नहीं कर सकते हो, ठीक है? एस्ट्रल प्लेन में जाके आप भक्ति नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली धरती पे रहना है और वो भी बॉडी के साथ रहना है, तब जाके आप भक्ति कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी कर सकते हो। क्या आपको पता है कि अगर आपके बॉडी में कुछ डिफेक्ट है तो मास्टर्स या हायर बींग्स आपके बॉडी को यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको एज अ ट्रांसफॉर्मर वो ऊपर से एनर्जी लेके डालते हैं ना उनको, तो हम लोग सब चैनल्स बनते हैं। तो अगर हमारी बॉडी प्रॉपर ना हो तो हम एज अ चैनल भी काम में नहीं आ सकते। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बॉडी को भी मेंटेन करें, इसलिए तो बॉडी को कहा जाता है टेम्पल। बॉडी इज अ टेम्पल क्योंकि इसमें भगवान विराजमान है, तो उनकी एनर्जी है। अब अगर हम में से कोई है जिनका बॉडी मास इंडेक्स ठीक नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स आपको इंटरनेट पे सर्च करो मिलेगा, फाइंड आउट योर बॉडी मास इंडेक्स, देखो आप रेंज में हो कि नहीं, सब लोग देखो। अगर और एक शॉर्टकट मेथड है तो एक काम करो, एक कोई भी बच्चे को बुलाओ और उसको बोलो अच्छा मेरे तरफ देख और बोल मैं कैसे कौन से वेजिटेबल जैसे दिखता हूं या दिखती हूँ। अगर उसने बोला आप बैगन जैसे दिखते हो या आलू जैसे दिखते हो, तो समझ लो आपका बॉडी गड़बड़ है, ये नहीं सुनना है ना। तो चुपचाप इंटरनेट पे सर्च करके बॉडी मास इंडेक्स निकालो, क्योंकि मैं अगर ऐसे डायरेक्टली आपको बोलती तो आप सुनते नहीं। हाँ, मैं आपको बोलती आप क्या करते हो ना, मुझे समझ में आ गया, जो चीजें ज्यादा काम करने वाली होती है ना आप चुपके से उसे इग्नोर कर देते हो। अब कौन ढूंढेगा बॉडी मास? हर बात जो रूपाली बोलती सुनना जरूरी है ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा लगता है आपको? तो दोनों में से एक चॉइस है आपके पास, या तो अपना बॉडी मास इंडेक्स निकालो, हाँ, और या तो किसी कोई भी बच्चे को जो आपका नहीं है उसको बुला के बोलो मेरे बॉडी को देख और कौन से वेजिटेबल जैसे दिखता है बता, वो आपको सही 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 बताएगा। अगर उसने बोला आप बिल्कुल बैगन जैसे दिखते हो, मतलब आप समझो कि आपका कहाँ कहाँ आपको वर्क करना है, आप पूरा आलू जैसे दिखते हो या आप एकदम कद्दू जैसे दिखते हो, कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है? तो बॉडी मास इंडेक्स को आपको हमेशा रेंज में लाना है। आपका एक रेंज होता है, सबके अलग अलग हाइट वेट और एज के हिसाब से वो होता है, वो रेंज पे होना चाहिए। अगर आप बहुत दुबले हो तो भी वो सही नहीं है, एकदम राइट होना है। ये मत रहो कि अरे मैं तो बहुत दूर, मैं तो रोज वॉकिंग करती हूँ। नो,
आपको पता है कितने सारे दुबले लोगों को भी हार्ट अटैक आता है, कितने दुबले लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है? क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं अंदर, उसके ऊपर एक फैट लेयर जमा हो जाता है, जिसको कहा जाता है बॉडी फैट इंडेक्स, और वो समझ में नहीं आता ऐसे। मैं जिस जिम में जाती हूँ वहां पे तो एक मशीन है जिससे बॉडी फैट इंडेक्स पता चलता है, और वो होता है कि अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो ना, जैसे आप अपने बहुत स्ट्रेस ले, ऐसे ही ये सारे एस्पेक्ट्स आपके अंदर है नहीं, ये जो चार एस्पेक्ट्स मैंने बोला वो आपके अंदर है नहीं, तो क्या वो आपने स्ट्रेस लिया? क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन तो डेफिनेटली आएगी लाइफ में, आपको बुरा लग गया, स्ट्रेस लिया, जैसे स्ट्रेस लिया टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो गया बॉडी में, मतलब पॉइजन। अब वो पॉइजन हो रहा है, वो हर तरफ जा रहा है, आपके ऑर्गन्स और हार्ट लंग्स लिवर फीवर सब जगह जा रहा है। उससे आपको बचाने के लिए बॉडी क्या करती है, फैट स्टोर करने लगती है, सो दैट वो टॉक्सिन्स आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट ना करे। वो बन जाता है बॉडी फैट इंडेक्स, वो बहुत खतरनाक होता है ना। ऑर्गन्स पे फैट है, वो बाहर से जो दिखता है ना, बाहर से आप एकदम दुबले पतले शकीरा और अंदर से इतना ज्यादा, और वो हेल्थ को डिटोरेट करती है। हजार जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को अस्थमा है, किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है, ये सारे होते हैं थॉट्स के वजह से। तो जैसे जैसे हम अपने थॉट्स को एकदम अलाइन करते हैं, मतलब जैसे यूनिवर्स चाहती है उस टाइप से अगर अलाइन करते हैं, तो हमारी बॉडी पे भी वो झलकता है। आप देखोगे जो बहुत जोड़ों की दर्द, इधर का दर्द उधर का दर्द, वो सब जो हो रहा वो धीमे धीमे कम होते जा रहा है। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, भले आप दुबले हो या मोटे हो, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज आपके इट्स अ वे ऑफ हीलिंग ऑल्सो। अंदर चक्रास से भी अनवांटेड एनर्जी वो फेंक देता है और बाहर से फ्रेश एनर्जी वो लेता है। सो एक्सरसाइज हैज टू बी डेफिनेटली रूटीन में अपना लाओ, भले वीक में 3 दिन करो या 2 दिन करो, बट करो जरूर प्रॉपर एक्सरसाइज एकदम, ठीक है? तो मैंने आपको इसलिए बताया, तो ये सारे एलिमेंट्स पे आपको वर्क करना है, ठीक। अब हम जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज वी आर वन विथ गॉड एंड वन विथ ऑल। यही वाला मुझे बार बार ऊपर से मैसेज आ रहा था कि इसके ऊपर डिस्कशन करना है। अच्छा, ये बहुत इजी कंसेप्ट है नहीं, मैं पहले से आपको बता दे रही हूँ, इसलिए बी अलर्ट, प्लीज बी अलर्ट, अवेयर हो जाओ। अवेयरनेस के लिए हम लोग एक ब्रीदिंग करेंगे। जब आप सांस लो, मन में बोलो आई एम ब्रीदिंग इन, होल्ड। जब आप सांस छोड़ो, मन में बोलो आई एम ब्रीदिंग आउट। फिर से सांस लो, बोलो आई एम इनहेलिंग, आई एम होल्डिंग, आई एम एक्सहेलिंग। हिंदी में बोलो, मैं सांस ले रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ, होल्ड कर रही हूँ। ये थोड़े देर तक करो, इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं, दिस इज माइंडफुल ब्रीदिंग। माइंडफुलनेस ज़रूरी होता है, माइंडफुलनेस अगर हम एवरीडे लाइफ में स्टार्ट करें अच्छे से, तो बहुत क्विकली इसका इफेक्ट मिलता है। मैं एक PDF शेयर करूँगी हमारे ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में शेयर करूँगी, वो वाला पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह माइंडफुल ब्रीदिंग करना पड़ता है। ओके, थोड़ा अवेयर हो गए, हमारे सामने क्या है, फोन है, लैपटॉप है, चेयर है, टेबल है, रूपाली कुछ बोल रही है, आ जाओ वापस, ना पास्ट में रहना है ना फ्यूचर में रहना है, आ जाओ प्रेजेंट में। ओके, नाउ वी आर वन विथ गॉड एंड वन विथ ऑल। तो इमेजिन करो ऊपर गॉड है, क्रिएटर है, और उनसे कुछ रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं या कुछ धागे निकल रहे हैं, जो कि सबके साथ कनेक्शन, बहुत सारे लोग मतलब पूरी सृष्टि के लोग और उनके साथ वो कनेक्टेड हैं, और उन्हीं के साथ कनेक्टेड हम भी हैं, मतलब हम भी भगवान के साथ भी कनेक्टेड हैं और हम उन सारे लोगों के साथ भी कनेक्टेड हैं, मतलब हमसे भी कुछ धागे निकल कर सारे लोगों से कनेक्शन बना रहा है। ओके, दिस इज द पिक्चर जो आपको इमेजिन करना है, मतलब भगवान हमसे भी कनेक्टेड है, सबसे भी कनेक्टेड है, हम भगवान से भी कनेक्टेड है, सबसे भी कनेक्टेड है, सब लोग हम मुझसे भी कनेक्टेड है, भगवान से भी कनेक्टेड है, तो सारे धागे ऐसे ऐसे टच हो रहे हैं। तो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मेट, हम ऐसे ही होते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से समझती हूँ।
आप और आपके हस्बैंड या आप या आपके बच्चा या आप या आपके फ्रेंड किसी को भी याद करो जो जो आपका मतलब कनेक्शन, जब आप दोनों कनेक्टेड होते हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, आपको खुशी मिलती है। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी बात हो गई जो आपको अच्छा नहीं लगा, आप डिस्कनेक्टेड हो गए। जैसे आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, आपको क्या फील होता है? सपोज आपकी 2 दिन से उस इंसान से बात नहीं हो रही क्योंकि आप गुस्सा हो, मतलब कनेक्शन नहीं है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया वो वायर, तब आपको पेन फील होता है अंदर। तो पेन का एक सिंपल रीजन या ओनली रीजन है कि जब हम वन विथ ऑल नहीं है, हम वन विथ गॉड, वन विथ ऑल नहीं है, जब हमारा कनेक्शन टूट जा रहा है भगवान से और सबसे, उस समय हमें फील होता है कि पेन है। जैसे ही कनेक्शन जुड़ जाता है, हम फील करते हैं कि हम एकदम खुश हैं, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। तो बेसिकली हमें हमेशा इस कनेक्शन को जोड़े रखना है। वो कैसे पॉसिबल है? मैंने एक और वो लगाया था, पोस्ट लगाया था फेसबुक में, जिसमें था कि बी इन लव इंस्टेड ऑफ गिविंग लव और टेकिंग लव। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे इसको प्यार देना है, उस वो मुझे प्यार देगा या देगी, वो उससे प्यार लेना है, तो ये प्यार देना और प्यार लेना से ऊपर उठकर ये सोचो, मैं प्यार में हूँ, आई एम इन लव। प्यार ने मुझे पूरा घेर के रखा है, मेरे अंदर प्यार, मेरे बाहर प्यार, मेरे चारों तरफ प्यार। इसको विजुअलाइज करो प्लीज, सब लोग रिलैक्स हो जाओ, जस्ट इस फीलिंग को विजुअलाइज करो, देखो कैसा फील होता है। बोलो आई एम इन लव, मैं प्यार में हूँ, मेरे अंदर प्यार है, मेरे बाहर प्यार है, मेरे चारों तरफ प्यार है, मैं डिवाइन लव में हूँ। ये डिवाइन लव जो होता है, दिव्य प्रेम, सोचो कृष्णा से, कृष्णा के हार्ट से पूरा प्यार बरस रहा है हम पे, एक वाटरफॉल जैसे बरस रहा है, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। व्हाट इज दिस? हमेशा से उनके हार्ट से क्रिएटर को, चलो कृष्णा भी नहीं, क्रिएटर जिसने सृष्टि को बनाया है, अगर इससे आपको इजी होता है तो, वो क्रिएटर के हार्ट से अपने क्रिएशन के लिए हमेशा प्यार बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, राइट? तो हम हमेशा प्यार में हैं। अगर ये फीलिंग हमेशा हमारे अंदर रहे तो हमें कभी पेन फील ही नहीं होगा, क्योंकि हम तब हो जाते हैं वन विद गॉड। अब अगर हम सब में कृष्णा को देखें, उसी प्यार के कनेक्शन से हम हो जाएंगे वन विद ऑल, तो फिर कहां का गुस्सा, कहां का बैर, कहां कहीं तो कुछ भी नहीं। हम सब तो एक हैं। अपने फैमिली को देखो, आप, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज, आप बन गए एक पूरी फैमिली। ऐसे ही कुछ फैमिलीज बन गए एक सोसाइटी, ऐसे ही कुछ सोसाइटीज, अब वो सोसाइटी का नाम हो गया, सपोज ड्रीम सेलेना, सपोज रोनवाल सेगल सोसाइटी। आपकी आइडेंटिटी क्या बन गई? कि मैं रोनवाल सेगल की हूँ, मेरी सोसाइटी है रोनवाल सेगल। उसमें ऐसे टाइप के बहुत फैमिलीज हैं, ठीक है? अभी आपकी फैमिली सपोज शर्मा फैमिली है, चैटर्जी फैमिली है, कुछ भी है, आप कनेक्टेड हो, आपकी फैमिली एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यही फैमिली बहुत सारे दूसरे फैमिली से कनेक्टेड है जो कि एक सोसाइटी में रहती है। अब यही सोसाइटीज सपोज हड़पसर में है तो बहुत सारे अलग सोसाइटीज से कनेक्टेड है लोके एरिया वाइज। अब यही एरिया दूसरे एरिया से कनेक्टेड है, सपोज पूना बन गया सिटी पूना। अब ऐसे ही सिटीज पूरे दूसरे सिटीज से कनेक्टेड है, बन गया महाराष्ट्र स्टेट। अब ऐसे ही स्टेट्स और दूसरे स्टेट से कनेक्टेड है, बन गया इंडिया। अब ऐसे ही कंट्री इंडिया और भी दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है, बन गया एशिया। अब ऐसे ही एशिया कॉन्टिनेंट और भी कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है, ये बन गया अर्थ। इसी तरह अर्थ और बाकी प्लैनेट्स कनेक्टेड है, बन गया यूनिवर्स। तो अब अगर सोचो, हम सब तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब हम अपने अंदर
भेदभाव लाते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि ये पाकिस्तानी, ये इंडियन, ये तो बंगाली, ये तो मराठी, ये तो हिंदू, ये तो मुसलमान, तब हम अपने बीच में एक दीवार क्रिएट कर देते हैं, मतलब डिस्कनेक्शन। तब हम वन विथ ऑल नहीं रहते, और जैसे ही ये डिस्कनेक्शन आ जाता है, तभी लड़ाई झगड़ा, तभी पेन, तभी जेलसी, तभी ग्रज, तभी सब कुछ होता है। तो हमें हमेशा वन विद ऑल स्टेट में रहना है। जब हम वन विद ऑल स्टेट में रहेंगे, मतलब हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो हमारे अंदर हमें महसूस होगा, पूरी सृष्टि तो हमारे अंदर ही है, बाहर ढूंढने के लिए तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ हमारे अंदर है, पूरी सृष्टि हमारे दिल में लेकर हम घूम रहे हैं, सब कुछ तो हमारे अंदर है। तो हम कंप्लीट फील करते हैं, हमें कोई एक्सटर्नल पर्सन कंप्लीट फील नहीं करा सकता। हम बाहर प्यार ढूंढ नहीं सकते हैं, प्यार हमारे अंदर ही है। वी आर इन लव, वी आर कनेक्टेड, वी आर इन लव। हम वो कंटिन्यूसली सोचो, एक समंदर ऑफ प्यार है जिसमें हम डूबे हुए हैं, हमारे ऊपर, हमारे नीचे, हमारे साइड, कंटिन्यूसली प्यार है। ये वाली फीलिंग को अगर हमेशा हम अपने अंदर रखते हैं, तो ना हमें कभी किसी की जरूरत होगी कि हमें कंप्लीट फील कराए या हमें कुछ दे, ना हमारे अंदर किसी के लिए गुस्सा आएगा, ना हमें झगड़ा करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं। झगड़ा गुस्सा हम तब करते हैं जब हम अपने अंदर एम्प्टी फील करते हैं, खालीपन। जब हमारे अंदर खालीपन होता है, तब हम दौड़ते हैं बाहर किसी से प्यार मांगने के लिए, किसी का अटेंशन मांगने के लिए, कुछ ना कुछ मांगने के लिए। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली, हमारी बकेट पूरी भरी हुई है, तो हमें कभी ये हैंकरिंग इफेक्ट नहीं होगा। ये जब हैंकर करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं ना जिन्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, वो देखो शर्मा जी का घर कितना बड़ा है, मेरी टीवी छोटी सी है, मेरे मुझे तो फ्लैट स्क्रीन टीवी चाहिए। बिलीव मी, ये सब चीजें आपको खुशी नहीं देगी, टेम्पररी खुशी देगी आपको, नेक्स्ट फिर से आपके लिस्ट में कुछ ऐड हो जाएगा। अभी आप टारगेट करोगे मुझे 51 इंच 52 इंचेस का फ्लैट स्क्रीन टीवी चाहिए, वो मिल गया आपको, आपके तभी शांत हो जाओगे, नहीं, नेक्स्ट एक और लिस्ट में आपका ऐड हो जाएगा कि ये भी चाहिए। इंस्टेड अगर आप ये फील करो कि मैं कहीं पर भी हूं, किसी भी जगह हूं, किसी के भी साथ हूं, कोई भी माहौल में हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कंप्लीट हूं, मैं होल हूं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया हुआ है। क्योंकि जब मैं भगवान से कनेक्टेड हूं, मतलब मैं भगवान के ऑरा में हूं, मेरा ऑरा उनका ऑरा मर्ज हो गया है, तो मैं कहां से अलग हूं, मैं तो अलग हूं ही नहीं। ये फीलिंग से जब आप जिंदगी जीना शुरू कर दोगे, हमेशा ये बात, हमेशा खुद को याद दिलाना, खुद को याद दिलाना ये बात को, तब आप देखोगे आपकी सारे परेशानियां सॉल्व, क्योंकि यही सीखने के लिए हमने जन्म लिया है, यही पूरा फाइनली आप यही सीख कर जाओगे, यही लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, शायद आज आप लोगों को ये कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन आप भी बार 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 सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। प्यार का मतलब क्या होता है? हम किसी पर डिपेंडेंट हैं क्या, वो प्यार होता है? आपको लगता है व्हाट इज ट्रू लव? आप अपने हस्बैंड को छोड़ के रह नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं रहे आपके लाइफ में तो आपको तकलीफ होगी, इज दैट लव? नहीं, दैट इज डिपेंडेंस। आप चाय के बगैर, आपका सर दुखने लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपका चाय के प्रति प्यार है? नहीं, दैट इज एडिक्शन। प्यार ये सब होता ही नहीं है। वो एक गाना था बहुत पुराना, हमने देखी है इन आंखों में महकती खुशबू, हाथ से छू के ऐसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। उसका जो एक एक सेंटेंस है वो एक्चुअली प्यार को समझाता है।
प्यार कोई टैग नहीं है, प्यार कुछ ऐसा नहीं है जो तुसे तुम छू के समझ पाओगे, वो एक फीलिंग है जो सिर्फ तुम्हारी आत्मा समझ सकती है। और वो प्यार किसी को करने से नहीं होता, किसी से लेने से नहीं होता, वो प्यार बस होता है जो आपके अंदर ही है। यू हैव टू बी इन लव, कुछ नहीं, दैट इज यू आर इन लव, यू आर लव, सिंपल। वो कोई वर्ब नहीं है, वो एक नाउन है। आप ये सोचो ही मत कि मैं उससे प्यार करूंगी, इन सबसे प्यार, मैं सारे इंसानों से प्यार करूंगी। नहीं, आप प्यार हो, यू आर लव, आप सराउंडेड बाय प्यार हो। तो ये जब आप फील करने लगोगे ना, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आप ऑफिस जाओगे, आप मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि आप वेट नहीं करोगे आपके आपके बॉस आपको कुछ अच्छा बोले, क्योंकि कोई और आपको कुछ खुशी दे ही नहीं सकता है, क्योंकि आप खुश हो, पूरी तरह खुश हो। आप डिपेंडेंट ही नहीं हो कि कोई और आपको खुशी दे। आपकी सैलरी बढ़ती है, फर्क नहीं पड़ता, सैलरी कम होती है, फर्क नहीं पड़ता, आपकी बीवी आपके लिए चाय बना के रखती है, फर्क नहीं पड़ता, आपके हस्बैंड लेट घर में आते हैं, फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आप खुद प्यार में हो ना, तब आप दूसरों को सिर्फ प्यार ही दोगे। और जब आप दूसरों को प्यार एमिट करोगे, देना भी नहीं है, आपसे प्यार का वाइब्रेशन निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। जो जो आपके पास से गुजरेगा उसको पता चल जाएगा, इट्स ऑल एनर्जी, उसको पता चल जाएगा। तो वो सारे इंसान वैसे ही आपके पास में अंडराने लगेंगे, आपको किसी का अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपको किसी को खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना अच्छा है ना जब आप किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं हो, इट्स सो एम्पावरिंग। और आप सिर्फ दे सकते हो, मतलब आप एक बड़ा सा सागर हो और सामने सारे लोग बाल्टी लेके खड़े हैं, मग्गा लेके खड़े हैं, चम्मच लेके खड़े हैं, अपने अपने हिसाब से वो आपसे प्यार भर लेंगे। लेकिन अभी आप चम्मच हो अगर, तो आपको हमेशा किसी बाल्टी के पास जाना पड़ेगा, किसी कुएं के पास जाना पड़ेगा, किसी समंदर के पास, किसी नदी के पास जाना पड़ेगा। तो आप क्या बनना चाहते हो? आप वो सागर बनना चाहते हो कि वो चम्मच रहना चाहते हो? ये आप देख लो। आपको वैसा सागर बन जाना है, जो मैं कह रही थी प्यार का दुकान ना, तो अब प्यार के दुकान से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्यार का सागर बनो। कि और उसके लिए कब होगा वो? अब किसी से ले लेके नहीं होगा वो, इससे प्यार लिया, उससे प्यार लिया, फोन कर करे तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, हाँ तुम तो तुम्हारी बातों से लगता है इतने बिजी रहते हो, इससे ये से छीन छीन के मांग मांग के भिखारियों जैसे प्यार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी की प्यार की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर लव। और जब आप ये बन जाते हो, तो क्या तब आप कृष्णा से अलग हो? अब सोचो आप, तो तब क्या आपको कृष्णा को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? तब क्या आपको कृष्णा के लिए इतना हरे कृष्णा करने की जरूरत पड़ेगी? तब क्या आपको मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ेगी? तब आप और कृष्णा एक हो, आप में और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ रहे हो मैं क्यों ये सब बोल रही हूं? आप कृष्णा को चाहते हो ना, भगवान को देखना चाहते हो ना, तब आप में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्योंकि ये सारी क्वालिटीज, ये महाकरुणा, महामैत्री, ये सब कुछ उन्हीं में तो है, वही तो है इसके प्रतीक। और जब आपने अपने आप को वही समंदर बना दिया, लव में क्या है, लव में एस्पेक्ट्स है ना, जो ट्रू लव है, जब आपने अपने अपने आप को ही ट्रू लव बना दिया, ना ट्रू लव ढूंढने गए, ना ट्रू लव देने गए, आप खुद ट्रू लव बन गए। जब आप ट्रू लव बन गए, आप में सारे एस्पेक्ट्स आ गए, तो तब क्या आप और भगवान अलग रहेंगे, रह पाएंगे? आप तो और भगवान तो सेम हो गए, कनेक्टेड, दैट इज वन विद गॉड। डीप कंसेप्ट है, मुझे कैसे समझा मुझे भी नहीं पता। और मैं सच में कल जब मेरी आनंददा से बात हो रही थी, मैंने उसको कहा कि बार बार ऊपर से मास्टर मुझे टंग टंग करके बोल रहे हैं कि अपने सेशन में तुझे ये समझाना है, समझाना है। मैं मैंने आनंददा से कहा, मुझे तो समझ गया पर मैं समझाऊंगी कैसे मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं सेशन बोलूंगी मुझे पता है, मैं संभव कुछ ना कुछ बता दूंगी। तो होपफुली मैं आप लोगों को समझा पाई हूं, थोड़ा सा भी क्यों ना हो। हाँ, ये टाइम लगेगा बट पॉसिबल है।
हम सब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये डिफिकल्ट कंसेप्ट हमें अभी बताया जा रहा है ऊपर से, मतलब वी आर रेडी। हम जब तक रेडी नहीं होते हमारे पास नहीं आती है वो चीज़ें। हम रेडी हैं तो अपने अंदर अभी इनहिबिटिंग थॉट्स मत लाओ। हम सब लोग जिन्होंने ये सेशन सुना है, लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स टुडे कि हम ये प्यार बन के घूमेंगे। तो अब क्या होगा सामने, अब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, ये समझ गया। अब प्रैक्टिकल लाइफ के सिचुएशंस में आते हैं। आपने सेशन सुना, आहा आहा, एकदम लाला लाला स्टेट हो गया आपका कि वाओ मैं तो प्यार हूँ, पूरा ट्रू लव। आपके घर में आपके हस्बैंड आए और चिल्ला दिया आप पे, ये क्या खाना बना के नहीं रखा। पूरा ट्रू लव वो समंदर से गटर में चला गया। क्या करोगे आप, हो गया ना फुस पूरा, इतना अच्छा अच्छा लगा था सारा गया। ओके अब कंसेप्ट आता है वी कंसेप्ट। वी कंसेप्ट क्या होता है कि मैं मेरा तू तेरा, अगर हम कहेंगे तूने कुछ किया मैंने कुछ किया तो अगेन डिसकनेक्शन, हमने किया दैट इज कनेक्शन। तो सामने वाला आपको चिल्ला रहा है कुछ भी कर रहा है, उसको तो सेशन सेशन सुना नहीं ना, उसको कैसे समझ में आएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वो तो हम एकदम ब्लिस फील कर रहे हैं, हम अभी अभी कृष्णा को हेलो बोल कर आए हैं, चले गए थे ना आप लोगों पर। मेरे पुराने सेशंस में भी मुझे बहुत लोगों ने बोला कि जब मैं उनको वो करवा रही थी लिटरली उन्होंने कृष्णा को फील किया है, एकदम वो एकदम हायर उसमें चले गए थे डायमेंशन में। तो अभी भी मुझे लगता है डेफिनेटली आप कुछ तो फील कर किया होगा आपने। हमने फील किया, वो बेचारे उस वो और उस इंसान ने तो किया नहीं, उसने आके चिल्लाया। तब क्या करना है आपको, कनेक्शन को याद रखना है। आई एम वन विथ ऑल, मतलब मैं मेरे हस्बैंड से भी कनेक्टेड हूं, तो उसका बिहेवियर मेरे बिहेवियर को कुछ चेंज नहीं कर सकता, मेरे मेंटल स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। एक चम्मच ने आकर आपके ऊपर मिट्टी डाली तो क्या सागर बंद हो गया? सागर 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 तो सागर है राइट, वो तो चम्मच है, उसने आके आपके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी छिड़का दिया और कुछ नहीं किया। आप में इतना प्यार है, इतना करुणा है कि आप उसको भी उसमें ले लोगे। जैसे उसने चिल्लाया आपको अंदर से स्माइल करना है। स्टेप्स बता रही हूँ, गटर में नहीं जाने दोगे ऐसे, आपको अंदर स्माइल करना है और बोलना है वो तो मेरा ही है, हम हैं हम, वो तो मेरा ही है, कोई बात नहीं, परेशान है, खाना चाहिए ले लो खाना, बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। आपके चेहरे से स्माइल हटना नहीं चाहिए। वो हमारे ग्रुप मेंबर जैसे जैसे किया था ना उसने, मैं तो गाना गाऊंगी ला 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 पैसे। हाँ, आपको उसके सामने करना है कि माइंड में करना है वो आप डिसाइड करिए, लेकिन नथिंग कैन डिस्टर्ब माई पीस ऑफ माइंड। ये वाले स्टेट में रहो और वो करुणा के सागर में रहो, प्यार के सागर बन के रहोगे तो वो सामने वाले ने जो भी किया किया, जैसे आपको लगे आपका पानी लीक हो रहा है वहां पे फट से एक कुछ डाल दो, टूटी लगा दो, सिंपल, नहीं लीक होने देना तुरंत के तुरंत। या आप ऐसे एकदम मस्त वाले लव बन के ऑफिस में गए, आपके कलीग ने आपको कहा कल का काम अब तक किया नहीं है क्या करके रखा है, नहीं, फिर से मन में स्माइल, ला 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 ला, मैं तो खुश हूँ, मैं तो करुणा का सागर हूँ, मैं तो प्यार का दुकान हूँ, मैं तो प्यार का सागर हूँ, आई एम लव, कर लेना दिमाग में, ब्रीथ कर लेना, मुस्कुरा लेना और उसको उसको ही मुस्कुरा के बोलना कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस दैट्स इट। ना रेजिस्ट करना है ना समझाना है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बात करने की ऐसी, ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हम यहाँ पे खुद को सुधारने आए हैं, प्लीज दूसरों को सुधारने के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करो। उनको सुधारने के लिए उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर सामने वाला सुधरा नहीं ना तो वो स्पिरिचुअल मास्टर की ग्रोथ नहीं होगी। तो बिलीव मी, वो बहुत ज्यादा अपने ग्रोथ के लिए वरिड है, समझ रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा वो वरिड है, तो वो देख लेंगे। आप अपना देखो, आप अपने ग्रोथ के बारे में सोचो। पूरी मतलब एक्चुअली पूरी दुनिया दूसरों को सुधारने के पीछे पड़ी है। मैं कभी कभार एक ऐसे किसी फैमिली में जाती हूँ जिनमें जो लोग स्पिरिचुअलिटी नहीं करते, और मैंने ये बात भी शुरू की
फट से हस्बैंड चिल्ला के, देखा मेरी वाइफ तो कुछ करती नहीं, तुमको कितने बार बोला है मैंने, सोनू के अम्मा कुछ भी नहीं करती हो, अरे सोनू के पापा तुम करो ना खुद कुछ नहीं करेंगे, उसको जैसे चांस मिला दो गाली मार दी कि तुम कुछ नहीं करते हो ये वो। हमें क्या करना है, हमें खुद को सुधारना है। हमारे जब जैसे हमारा ऑरा ऐसा हो जाएगा तो जो लोग भी हमारे आसपास रहेंगे झक मार के चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमें वो अलग उसमें जाना ही नहीं। और हम बार बार फंसते हैं, और जैसे ही कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आता है, आपकी सास ने आपको गाली दी, आपके बॉस ने आपको गाली दी, अगर आपको पेन फील हुआ, अभी फिर से क्या याद करोगे, अरे अरे कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया, जल्दी से वायर जोड़ो, बोलो वी, हम, उसने मुझे गाली दी, मुझे दुख हुआ, नहीं उसने मुझे नहीं, हम में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कोई बात नहीं। जो एक्सटर्नली देखो, एक्सटर्नली जो स्टैंड लेना है वो लेना है, इंटरनली ये फील करना है, क्योंकि अंदर से वो प्यार का फ्लो रुकना नहीं चाहिए उस इंसान के लिए। वो कनेक्शन कट जाएगा आपका, वन विद ऑल नहीं रहोगे फिर, वन विद ऑल नहीं रहोगे, वन विद गॉड नहीं रहोगे, तो हो गया फिर वही प्रॉब्लम फिर से शुरू, फिर से सफरिंग, पेन, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या करोगे, एक्सटर्नली आपको अलग रहना है, अलग होना है, सेपरेट होना है, डिवोर्स लेना है, वट एवर, दैट इज ऑल एक्सटर्नली, वो अलग बात है, वो करना है नहीं करना है। हाँ, अगर सच में अगर आपके हस्बैंड एक प्रोस्टिट्यूट को लेके घर में आ जाते हैं, तब वन विथ ऑल करोगे आप, तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। हाँ, तब क्या करोगे, वो प्रोस्टिट्यूट पे गुस्सा करोगे कि हस्बैंड के सर पे डंडा मारोगे कि क्या करोगे? प्रैक्टिकल बात करती हूँ मैं। आप बोलोगे रूपाली ने बोला है प्यार का सागर बनना है, तो हस्बैंड को बोला प्रोस्टिट्यूट को लेके घर में रहो, मैं आप उसके लिए भी चाय बना देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ये नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है कि एक्सटर्नली आपको जो करना है सही चीज वो आप करो, दैट इज आउटर फॉरगिवनेस। आउटर फॉरगिवनेस आपको जो करना है करो, हस्बैंड को और प्रोस्टिट्यूट को दोनों को कान पकड़ के घर से निकाल सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है, पर इंटरनली उन दोनों के लिए प्यार का फ्लो बंद नहीं होना चाहिए। और वो कैसे होगा, क्योंकि उनमें भी भगवान है, उनमें भी कृष्णा है, कृष्णा ने क्रिएट किया है ना, ऐसे सैंपल्स क्रिएट तो कृष्णा ने किया है ना, बहुत टाइप के सैंपल्स हैं, तो पर वो किसने क्रिएट किया, कृष्णा ने किया ना। जब उनको कोई शर्म नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम क्यों कैटेगराइज करके उनका उनका टेस्ट लेकर उनको हम मार्क्स मार्क्स दे कि इसको 2 मिले 10 में से, नहीं हम नहीं ये सब करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारी एनर्जी होगी, जो टेस्ट हमको देना होगा उसी टाइप के लोग हमारे आसपास आएंगे। क्या कहा मैंने, डायरेक्टर डिसाइड करता है कि स्टेज पे तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा। तो जब डायरेक्टर ने डिसाइड किया, कृष्णा ने डिसाइड किया कि इस टाइप का आदमी ही तुम्हारा हस्बैंड बनेगा, मतलब यू डिजर्व इट, क्यों, एज पर अवर कर्मा, उससे कुछ सीखना है, उस सिचुएशन से सीखना है। लेकिन एक कॉमन सीख तो है, दैट इज नथिंग कैन डिस्टर्ब माई पीस ऑफ माइंड, मेरे तरफ से प्यार का फ्लो रहता है, रहेगा रहेगा, तो क्या होगा, आई विल नॉट बी वल्नरेबल टू एनी सफरिंग, मेरी सफरिंग ही नहीं होगी। हाँ, अगर आप ये सोचने लगो उस समय, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये तो कमीना है, इसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ, मैंने उसको इतना प्यार दिया था, इतना टेक केयर किया, फिर भी उसने मेरे, देन आप अपनी सफरिंग को बुलावा दे रहे हो। आप उस समय अगर खुद को ये बोलो कि उसने किया, उसका कर्मा, उसके स्पिरिचुअल मास्टर समझे, उसको जो करना है करे, हाँ मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, इस वजह से मुझे डिस्ट्रेस होगा, मैं उससे दूर रह सकती हूँ, उससे अलग रह सकती हूँ, लेकिन अंदर से नफरत नहीं जाएगी मेरी, अंदर से इट विल बी ऑलवेज लव फ्लोइंग, क्योंकि दैट इज वॉट आई एम, मैं प्यार हूं तो मेरे अंदर से प्यार ही जाएगा, मैं अगर गार्बेज होती, कूड़ा होती, तो मेरे अंदर से बदबू ही जाता, वो मैं क्या हूं, मेरी प्रॉपर्टी है। अब जैसे एक आम का पेड़ है, एक आम के पेड़ को अगर आप पत्थर भी मारो, वो आम ही देगा आपको, राइट? एक गुलाब के फूल को आप तोड़ो भी, मसलो भी, तो भी उससे सुगंध ही मिलेगा। तो वैसे बनना है हमें कि हम यही है, दिस इज हाउ आई एम, दिस इज माई प्रॉपर्टी। मुझे आप अपने बालों में लगाओ, या मुझे आप अपने पैरों के नीचे कुछ लो, मेरे से खुशबू ही मिलेगी आपको। देन क्या हम किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे किसी चीज के लिए?
नहीं, हमारी परमानेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है, इसको अगर आप टारगेट बना के लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, यू विल बी इन ब्लिस। तो ये समझ में आया? अगर मुझे पता है आज थोड़े हेवी हेवी हैं, कोई कोई लोग सो भी गए होंगे। उठ जाओ बच्चों, प्लीज उठो, फिर से सुनो, जो मिस हो गया फिर से सुनो, थोड़ा थोड़ा सुनो पर सुनो। फाइन, अब हम आते हैं रामकृष्ण परमहंस के ऊपर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पहले भी मैंने भगवत गीता सेशन में बताया है, पुराने भगवत जब हम लोग स्काइप पे बोलते थे तब के सेशन में है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट में। हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं, जैसे साईं बाबा हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, इन लोगों की डेथ काफी पैथेटिक थी। मतलब कैंसर होके इनकी मृत्यु हुई है। हाँ, और काफी सफरिंग्स भी लाइफ में उन्होंने देखा है। सो व्हाई इज इट सो? कि तो साधु हैं। चलो हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं इसको, राइट? एक आत्मा है, किसी की भी आत्मा हो, ओके, उसके कार्मिक पॉइंट्स है 100। अब 100 कार्मिक पॉइंट्स में वो उसके पास ऑप्शंस है कि आप एक साधु की बॉडी ले सकते हो, या बाकी बॉडीज तो वैसे भी अवेलेबल है ही, मर्डरर की बॉडी भी ले सकते हो, उसके लिए सिर्फ 10 कार्मिक पॉइंट चाहिए, बाकी 90 आपके बच जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर साधु की बॉडी चाहिए तो 80 कार्मिक पॉइंट चाहिए। ओके, तो हाँ मेरे पास 100 है, मैंने साधु की बॉडी ले ली, रामकृष्ण परमहंस की बॉडी ले ली। ओके, व्हाट इज माय एम? मेरा एम है कि क्योंकि मुझे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, बॉडी मिली ना अच्छी वाली। अब देखो, अगर आपके पास एक बहुत अच्छी फास्ट कार है तो आप तो जू 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 करके ऑफिस 5 मिनट में पहुंच जाओगे। यही खटारा कार है जो हर 2 मिनट बाद रुक जाती है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो आप इस फास्ट कार का तो यूज करोगे ना, तब आप बोलोगे कि मैं दूर भी कोई ऑफिस वाला कोई जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी फास्ट कार है, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मतलब बेसिकली बेस्ड ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, योर टूल्स, आप एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, जिससे आपका ग्रोथ फास्ट हो, मतलब जैसे आप और पैसे कमा सको। तो थोड़े दूर वाले जॉब भी आप प्रेफर करते हो, आपको ड्राइविंग आती है और आपके पास फास्ट गाड़ी है, इसलिए आप प्रेफर करोगे कि ठीक है। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग भी नहीं आती और आपकी खटारा गाड़ी भी है, तो आप बोलोगे भाई आसपास का कुछ मिल जाए मुझे, मैं उसी में खुश, भले ज्यादा पैसे ना हो। तो अब एज पर कार्मिक पॉइंट्स एंड एज पर डिजायर मिल गई, रामकृष्ण परमहंस वाली बॉडी मिल गई। ओके, क्या एम होगा इस बॉडी का? डेफिनेटली डिविनिटी से कनेक्ट होना, भगवान से कनेक्ट होना, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना, लोगों को भी डिविनिटी से कनेक्ट करवाना, राइट? इसके अलावा जब इस लेवल पे एक बॉडी मिल जाती है, तब ये मन में भी इच्छा होती है कि ये जन्म मेरा लास्ट जन्म रहे, तो जो भी बचा कुचा पाप है मैं इसी जन्म में खत्म कर दूं। ये टारगेट रहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी को जो भी उनका बच्चा कुचा पाप था, उन्होंने बोला मुझे ये लाइफ अफ्यूलेंट लाइफ नहीं चाहिए। अफ्यूलेंट लाइफ मतलब बहुत पैसे वाला प्रॉस्परस ऐसा लाइफ नहीं चाहिए। क्यों? जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया, क्या होगा, आपका ही गुड कर्मा यूज होगा ना। सारा कुछ फ्री में नहीं आता है। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छे हस्बैंड है, तो आपका गुड कर्मा ही धीमे धीमे खत्म हो रहा है, उसी को करके ही तो आपको मिला है ना। अगर आप सिर्फ 200 रुपए रेंट दे सकते हो, तो आपको आपके पास, सॉरी 200 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल। सपोज आप 2,000 रुपए रेंट देते हो, तो आपको एकदम छोटा सा कमरा मिलेगा, लेकिन आप 10,000 रुपए रेंट दे सकते हो तो आपको बड़ा कमरा मिलेगा। तो आप जितना रेंट अफोर्ड कर सकते हो, उसी टाइप से आपको आपका घर मिलेगा। तो हम लोगों का जो भी अच्छा होता है, वो हमारे गुड कर्मा का ही यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो साधु लोग क्या कहते हैं, नहीं मेरे को ये सब गुड कर्मा इसमें वेस्ट नहीं करना है, मुझे गरीबी चाहिए, मुझे सफरिंग चाहिए। जैसे कुंती ने कहा था कि इतनी सफरिंग दो भगवान कि मैं हमेशा आपको याद करूं, आपको भूलू ही ना, श्री कृष्ण भगवान को कुंती ने कहा था, मैं लास्ट सेशन में भी बताया था। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने भी वही बोला होगा कि मुझे सफरिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, जैसे कि मेरा पूरा ध्यान और मेरा सारा कर्मा डिविनिटी से कनेक्शन में लग जाए। अब ये एक रीजन था। दूसरा बात है कि फिर जो भी मतलब जो भी बचा कुचा बैड कर्मा था, उन्होंने कहा कि एक खतरनाक रोग देकर वो मैं सारा वाइप ऑफ करके चला जाना चाहता हूं।
मुझे मतलब लिंगरिंग बैड कर्मास के लिए फिर से आने की इच्छा ही नहीं है, रिमेनिंग बैड कर्मास के लिए। और एक कंसेप्ट है कि मास्टर्स जो होते हैं ना, या गुरु जो होते हैं, उनमें एबिलिटी होती है कि अपने डिसाइबल की, मतलब अपने शिष्य की भी कर्मा वो मतलब बैड कर्मा का फल वो ले सकते हैं। ये मैंने पहले भी पढ़ा है, और ये क्या नाम है वो बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी मैंने पढ़ा है कि एक शिष्य का सफरिंग वो गुरु ने ले लिया था, फिर गुरु सफर करने लगे पर शिष्य ठीक हो गया। तो ये गुरुज में ये एबिलिटी होती है लेने की। तो रामकृष्ण परमहंस, एज पर जितना मुझे पता है, उन्होंने भी एक शिष्य का ही वो ले लिया था, सेम साईं बाबा ने भी ले लिया था। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सफर कर सकते हैं ना। कैसे? देखो, सपोज हम और हमारा बच्चा ट्रैवल कर रहा है, लेट्स टेक खटारा से बस में ट्रैवल कर रहा है, एकदम एसटी बस जो होती है, दो सीट है, एक सीट में कुछ तरह से चुभने वाली चीज ऊपर उठी हुई है, दूसरा सीट नॉर्मल है। आप अपने बच्चे को वो चुभने वाली सीट में नहीं बिठाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आप ज्यादा टॉलरेंस है आप में। आप अपने बच्चे को अच्छी जगह पे बैठाओगे, और खुद आप वो चुभने वाली सीट पे बैठ के 4 घंटे तक ट्रैवल करना प्रेफर करोगे। या अगर बारिश हो रही है, आप अपने बच्चे के सर पे छाता लगाओगे, खुद भीगते भीगते जाओगे, बिकॉज आपको पता है आप में वो पावर है कि आप उसको टॉलरेट कर लोगे। अगर आप बीमार भी पड़े तो भी समहाउ यू विल बी ओके, बट आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो। तो उसी तरह गुरुओं में भी ये क्वालिटी होती है। तो मोस्ट ऑफ द गुरुज भी मरते मरते, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी होती है, वो लास्ट अपना ये भी एनकैश कर लेते हैं कि चलो मैं अपने किसी शिष्य का भला करते करते जाता हूँ। ये कर्मा एक्सचेंज भी पॉसिबल होता है। तो इस वजह से रामकृष्ण परमहंस की, साईं बाबा की इस टाइप से डेथ हुई है। और उनके पूरे लाइफ में आप साईं बाबा की स्टोरी भी जानते होंगे कि वो एकदम गरीबी में रहकर बिना किसी मटेरियलिस्टिक सुख के उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई, क्योंकि फाइनली वही करना आए थे, वही किया। इसमें कुछ बुरा मानने वाले या बुरा सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, हम मेटेरियलिस्टिक व्यू से देखेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से देखेंगे तो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। वो लोग बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं, उनको पता है कहाँ कर्मा यूज करना है, कहाँ वेस्ट नहीं करना। अब फॉर एग्जाम्पल, बचपन में मुझे कर्मा फर्मा का नॉलेज नहीं था, पर कुछ तो नॉलेज था। मैं जब भी बीमार पड़ती थी ना, मैं मेडिसिन नहीं लेती थी, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बताया था। मुझे दवाई लेना नहीं था, मैं हमेशा कहती थी मुझे भोग लेना है, मतलब आई वॉन्ट टू सफर दिस, आई वॉन्ट टू गो थ्रू दिस सफरिंग जितना मेरे लिए पॉसिबल हो। फिर भी बहुत जैसे सर्दी खांसी होती थी तो मैं अपनी मम्मी का दिल रखने के लिए बोल देती थी कि अच्छा मम्मी, आप मुझे सिर्फ हॉर्लिक्स दूध में डाल के दे दो, मैं उसी से ठीक हो जाऊंगी, और मैं ठीक भी हो जाती थी। या मैं कहती थी मुझे प्याज लहसुन दे दो कच्चा वाला, मैं वो खा के ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक भी हो जाती थी। बचपन से मुझे एक ऐसा लगता था कि मुझे मेडिसिन खाना नहीं। अब देखो, कोई बीमार हुआ, बैड कर्मा यूज हो रहा है, मेडिसिन खा लेना है कि आपका जो गुड कर्मा है वो यूज हो रहा है। मतलब तो मेरे दिमाग में शायद था, मुझे गुड कर्मा ज्यादा यूज करना नहीं था, कुछ होगा मुझे नहीं पता। तो अभी भी इट इज वेरी इजी, अब से अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, आप बोलो ला 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 ला, मेरा तो बैड कर्मा खत्म हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दुखी होना ही नहीं है ना, क्योंकि सच में बोलो, अगर आपको सफरिंग मिल रही है मतलब आपका बैड कर्मा यूज हो रहा है। और जब आप बहुत खुश हो रहे हैं तब आपके दिमाग में टन होना चाहिए, अरे मेरा कुछ तो गुड कर्मा का फिक्स डिपॉजिट टूटा, मतलब मुझे और गुड कर्मा जल्दी जल्दी जनरेट करना है। चलो ब्लेसिंग करो, मेडिटेशन करो, फॉरगिवनेस करो, चैंटिंग करो, मदर अर्थ को ब्लेस करो, फटाफट गुड कर्मा बढ़ा, क्योंकि आपका एक फिक्स डिपॉजिट टूट गया है, मतलब कम हो गया। आप सोचो, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है। तो मुझे लगता है अब इस एंगल से अगर आप लोग देखो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो सीरियल्स भी बनाते हैं ना टीवी पे, वो तो इंसान है ना, वो ये सब नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी पढ़ के जितना भी, वो भी उनको थोड़ा सा वो बनाना पड़ता है कि कोई कोई उनका सीरियल देखे भी, वो चैनल भी देखे। तो इतना अफेक्टेड मत हुआ करो, स्वान जैसे जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको एब्जॉर्ब कर लो, बाकी रिजेक्ट कर दो, बाकी मत सोचो। और अगर आपको लगता है ये सबसे आपको अफेक्टेड हो रहे हो, डोंट वॉच इट। लेकिन उतनी आप में कैपेबिलिटी होगी डिसर्नमेंट की, तो आप ये चीज समझ पाओगे। बाकी की चीजों में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, इसने ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, नथिंग नथिंग,
डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. साधु संत लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो सब सोच समझ के आते हैं, उन्हें पता है कि कहाँ पे क्या यूज करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके निकल जाते हैं. उन लोगों को लेके कभी टेंशन मत लिया करो. और ये तो परमहंस हैं, उनकी भी मैंने एक स्टोरी लगाई थी रामकृष्ण परमहंस की. तो धीमे धीमे लेकिन हमें ये भी अचीव करना है. अभी तो हम, अभी हम लोगों में से बहुत लोग हैं जो कृष्णा से अटैच्ड हैं. मैंने एक लेक्चर में बोला था कि कृष्णा से भी डिटैच रहना है, क्योंकि अगर आप कृष्णा के फॉर्म से भी अटैच हो रहे हो, कृष्णा से भी अटैच हो रहे हो, फिर तभी भी आपकी ग्रोथ काइंड ऑफ मतलब लिमिटेड होगी. हाँ, उनको एम रखना है, लेकिन कृष्णा क्या है? अगर आप सिर्फ यही सोचोगे कि सिर्फ वो दो हाथ दो पैर और बंसी बजाते हुए कृष्णा है, फिर आप अटक जाओगे. मतलब कृष्णा तो सब कुछ है ना. जब एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वो प्यार भी तो कृष्णा है. जब आप बहुत प्यासे होते हो, पानी पीते हो, वो फीलिंग भी तो कृष्णा है. सो एवरीथिंग इज कृष्णा. जब आप कृष्णा को हर चीज में देखने लगोगे, हर चीज में फील करने लगोगे, उनको लिमिट नहीं रखोगे उनके फॉर्म पे, उनके रूप पे, उनके नाम पे, जब आप एक्चुअली क्रिएटर को हर चीज में फील करने लगोगे, तब आप और क्रिएटर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई वॉल नहीं रहेगा, कोई दीवार ही नहीं रहेगी, तभी तो आप मर्ज हो जाओगे. हाँ, लेकिन स्टार्टिंग के लिए वो डिफिकल्ट है. स्टार्टिंग के लिए आप इसी फॉर्म पे मेडिटेट करो, दो हाथ वाले फॉर्म जिसमें कृष्णा बांसुरी बजा रहे हैं. धीमे धीमे वही रास्ता दिखा देंगे, वही, क्योंकि भगवद गीता के लास्ट टाइम में भी हमने वही डिस्कस किया. कृष्णा तो कह रहे, मैं तो सब कुछ हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, वो सब कुछ ही तो है, राइट. तो अब हम, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर किया, होपफुली मैंने इस बार लिख के रखा था. फिर भी किसी का क्वेश्चन हो जो मैं भूल गई हूँ आंसर करना, तो प्लीज आप मुझे याद दिला दो. राइट. तो हम आ जाते हैं अभी भगवद गीता टेक्स्ट नंबर 20-21 पे. सॉरी, मैंने कहा था सेशन थोड़ा बड़ा होगा, हम लोग दो वर्सेस करके बंद करेंगे. ओके. व्हेन दे हैव दस एंजॉयड वास्ट हेवनली सेंस प्लेजर एंड द रिजल्ट्स ऑफ देयर पायस एक्टिविटीज आर एग्जॉस्टेड, दे रिटर्न टू दिस मॉर्टल प्लैनेट अगेन. दस दोज हु सीक सेंस एंजॉयमेंट बाय अडेयरिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्री वेदास अचीव ओनली रिपीटेड बर्थ एंड डेथ. इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कहा था कृष्ण ने कि दोज हु स्टडी द वेदास एंड ड्रिंक द सोम जूस सीकिंग द हेवनली प्लैनेट्स वर्शिप मी इनडायरेक्टली प्यूरिफाइड ऑफ सिनफुल रिएक्शंस दे टेक बर्थ ऑन द पायस हेवनली प्लैनेट ऑफ इंद्रा वेयर दे एंजॉय गॉडली डिलाइट्स. ठीक है, तो जो वेदा वेदास पढ़ के त्रिवेदीज चतुर्वेदीज जो चार वेदा का जिसका नॉलेज, जिसको तीन वेदास का नॉलेज, सोम जूस पीने की इच्छा, वो सब करके वो पहुंच तो गए हायर प्लैनेट्स में. लेकिन फिर क्या बोल रहे इस वर्स में, वेन दे हैव दस एंजॉयड दीज हेवनली सेंस प्लेजर्स. जैसे मैंने कहा, अर्थ पे जो आप कर रहे हो वही मैग्निफाइड फॉर्म में हेवन में होता है, मतलब हायर प्लैनेट्स में होता है. आप यहाँ पे छोटा सा आपको गोलगप्पा मिलता है, देखो महाराष्ट्र में छोटा गोलगप्पा मिलता है, मतलब पानीपुरी. मैंने जब कलकत्ता में गई तो बड़ा सा पूरे हाथ के साइज का गोलगप्पा मिलता है, जो एक साथ आप मुंह में डाल ही नहीं सकते हो. तो आप सोचो अगर आप इंद्रलोक में गए तो कितना बड़ा गोलगप्पा मिलेगा. मतलब बेसिकली जो भी आप यहाँ एंजॉय कर रहे हो उसको अगर आप 100-fold मल्टीप्लाई कर दो, उतना ज्यादा आप सेम चीजों को, या शायद और भी बहुत सारी चीजें होंगे और वैरायटीज होंगे जो आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो. जैसे इंडिया में देखे तो हम छोटा सा छोटे छोटे केले मिलते हैं, यही यूरोप में देखो तो बहुत बड़े बड़े केले होते हैं. तो अलग अलग, ज्यादा अलग अलग जगह पे जैसे अलग अलग चीज है ना, तो उसी टाइप से आप वहां पे भी क्या कहते हैं, हाँ, इंद्रलोक और वो सब जगह पे आप और ज्यादा एंजॉय करोगे. तो वो एंजॉय करने के बाद जब वो सब कुछ खत्म हो जाता है, रिजल्ट्स ऑफ देयर पायस एक्टिविटीज आर एग्जॉस्टेड, मतलब सारा गुड कर्मा खत्म हो गया, दे रिटर्न टू दिस मॉर्टल प्लैनेट अगेन, फिर से अर्थ पे उनको डाल दिया जाता है. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. तो फिर से वो अर्थ पे आ गए, फिर से बर्थ डेथ के साइकिल में फंस गए. कोई मतलब है क्या फिर?
बिल्कुल मतलब नहीं है ना. वन हु इज प्रोमोटेड टू द हायर प्लेनेटरी सिस्टम्स एंजॉयज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ एंड बेटर फैसिलिटीज फॉर सेंस एंजॉयमेंट, येट वन इज नॉट अलाउड टू स्टे देयर फॉर एवर. हमेशा के लिए वहां रह भी नहीं सकते हो, गुड कर्मा खत्म हुआ कि वापस आना पड़ेगा. वन इज अगेन सेंड बैक टू दिस अर्थ अपॉन फिनिशिंग द रिजल्टेंट फ्रूट्स ऑफ पायस एक्टिविटीज. ही हु वाज नॉट अटेंड परफेक्शन ऑफ नॉलेज एज इंडिकेटेड इन द वेदांत सूत्रा, और इन अदर वर्ड्स ही हु फेल्स टू अंडरस्टैंड कृष्णा द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज बिकम्स बैफल्ड अबाउट अचीविंग द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ एंड इज दस सब्जेक्टेड टू द रूटीन ऑफ बींग प्रोमोटेड टू द हायर प्लैनेट्स एंड देन अगेन कमिंग डाउन एज इफ सिचुएटेड ऑन फेरी व्हील्स विच समटाइम्स गोज अप एंड समटाइम्स कम्स डाउन. द पर्पट इज दैट इंस्टेड ऑफ बींग एलिवेटेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फ्रॉम विच देर इज नो लॉन्गर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग डाउन, वन सिंपली रिवॉल्व इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑन हायर एंड लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स. वन शुड बेटर टेक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू एंजॉय एन इटर्नल लाइफ फुल ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज एंड नेवर रिटर्न टू दिस मिजरेबल मेटीरियल एग्जिस्टेंस. तो यही हम लोगों ने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि आप गुड कर्मा कर रहे हो, वेदास वेदास के हिसाब से भी सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन आपने कृष्णा को नहीं समझा, अपने कृष्णा से प्यार नहीं किया. कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, उन्हीं के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, उन्हीं से प्रेम आपको नहीं हुआ, तो आप जाओगे जरूर ऊपर तक जाओगे, तपस्या तपस्या करके डेफिनेटली आपको मिलेगा. पर जैसे ही आपका सारा गुटकर्मा खत्म हो जाएगा, आपको फिर अर्थ पे आना पड़ेगा, और अर्थ में फिर चार टाइप के जो प्रॉब्लम है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये चारों प्रॉब्लम से फिर से गुजरना होगा. तो इसीलिए दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. टेक्स्ट नंबर 22 पे जाते हैं. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. ये कितना important sentence है. कृष्णा कह रहे हैं कि पर जो मुझसे मुझे मेरी पूजा करता है with exclusive devotion, मतलब बहुत भक्ति के साथ, जो मेरे transcendental form पे, मतलब मेरे रूप पे जो meditate करता है, to them I carry, कौन से रूप में, वो दो हाथ में बांसुरी बजाए हुए वो वाले रूप में, टू देम आई कैरी वॉट दे लैक, मतलब जो उनमें कमियां है वो मैं ले आता हूं, और एंड आई प्रिजर्व वॉट दे, जो उनमें अच्छाइयां है वो मैं बचा के रखता हूं, मतलब प्रिजर्व करके रखता हूं. वन हु इज अनेबल टू लिव फॉर अ मोमेंट विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बट थिंक ऑफ कृष्णा 24 hours a day, बींग एंगेज इन डिवोशनल सर्विस बाय हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, ऑफरिंग प्रेयर्स, वर्शिपिंग, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, रेंडरिंग अदर सर्विसेस, कल्टिवेटिंग फ्रेंडशिप एंड सरेंडरिंग फुल्ली टू द लॉर्ड. सच एक्टिविटीज आर ऑल ऑस्पिशियस and full of spiritual potencies which make the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of Godhead. ठीक है, किस तरह हम कृष्ण भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है. 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचना, हियरिंग, देखो श्रवणम कीर्तनम हरि, वो वाला एक श्लोक है, वो शायद बाद में आएगा, ये पहले हो चुका है. देखो क्या 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 कर सकते हैं, हियरिंग मतलब कृष्णा के बारे में सुनना, चैंटिंग जो हम हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, रिमेम्बरिंग उनको हमेशा याद करना, ऑफरिंग प्रेयर्स जो हम पूजा करते हैं, मतलब जो हम प्रार्थना करते हैं, वर्शिपिंग मतलब पूजा करना, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, रेंडरिंग अदर सर्विस, कल्टिवेटिंग फ्रेंडशिप एंड सरेंडरिंग फुल्ली टू द, ये सब करके हम बेसिकली तब हमारे चांस होता है गोलक वृंदावन में पहुंचने का. Which makes a devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association of the Supreme Personality of Godhead. Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. This is called yoga. Yoga matlab union, huh? Yehi hota hai. By the mercy of Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. Sema refers to the merciful protection of the Lord. The Lord helps the devotees to achieve Krishna consciousness by yoga, and when he becomes fully Krishna consciousness, the Lord protects him from falling down to a miserable conditioned life. Bhagavan Krishna hi protect karte hain. Maine Narad Muni wali story aap logon ko bahut pehle sunai thi, fir se is context mein quickly sunati hu. Narad Muni ko ek bar bahut ghamand ho gaya. Narad Muni is one of the greatest devotee of Krishna.
बहुत बड़े भक्त हैं, ओके, हमेशा वो नारायण नारायण करते रहते हैं। तो नारद मुनि को एक बार घमंड हो गया था। क्यों घमंड हो गया था? वो मतलब तपस्या में बैठे थे और जो कामदेव है, कामदेव ने उनको उन पे बाण चलाए अपने। कामदेव तो हम सबको पता ही है वो क्या करते हैं। तो कामदेव ने बाण चलाए और उनको मतलब कोशिश किया कि वो अप्सराओं के तरफ अट्रैक्टेड हो जाए, क्योंकि जो भी कोई मतलब तपस्या ज्यादा करता तो इंद्रदेव को टेंशन हो जाती। इंद्रदेव कामदेव को कांटेक्ट करते और कहते कि इस इंसान का ध्यान भटकाओ, जैसे कि वो मेरी कुर्सी सिंहासन न छीने। तो उसी तरह नारद मुनि के पास भी भेजा गया था कामदेव को। कामदेव ने बहुत ट्राई किया, नारद मुनि बिल्कुल नहीं पिघले, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा अप्सराओं को देखकर। तो वो बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वो बोले कि अरे इसी तरह शिवजी भी तपस्या कर रहे थे और कामदेव ने उनपे बाण चलाया था तो शिवजी तो फिसल गए थे। हाँ कुछ तो हुआ था, मुझे वो याद नहीं है। तो वो बहुत खुश हो के बोले मैं तो कितना महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ करके करने लगे। ऐसे कर करके वो विष्णु जी के पास पहुंचा और बोले देखो मैं कितना महान हूँ, शिव जी से भी मैं महान हूँ, मैंने तो ये कर दिया ना, कामदेव को हरा दिया ये करके। तो फिर उन्होंने बोला कि विष्णु जी का लगा अरे बापरे अब तो इनमें ईगो आ गया। ईगो आने से मतलब स्पिरिचुअल प्राइड, मतलब स्पिरिचुअल फॉल। इसलिए मैं हमेशा सेशन में स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ ना, एंड में भी बोलती हूँ ना, कि स्पिरिचुअल प्राइड और स्पिरिचुअल फॉल से हमको बचाओ। घमंड नहीं आना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अब उनमें आ गया घमंड। तो फिर उन्होंने विष्णु जी ने बोला कि अच्छा सुनो मेरा एक काम कर दो नारद। तो उन्होंने बोला क्या काम है? बोला ये नगरी में ये राजा रहते हैं और उनको जाके मेरा ये संदेश पहुंचा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो नारद मुनि गए वहां पे, देखा तो बहुत ही ब्यूटीफुल छोटी सी सिटी थी, बहुत डेकोरेट किया गया था। वहां पहुंच के उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा अरे जो राजा है उनकी बेटी का स्वयंवर है। हाँ तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर राजा आए मिलने। तो राजा ने उनको प्रणाम वनाम किया और फिर बोला कि आप कल मेरी बेटी के स्वयंवर में आइए उनको उसको मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। तो उनकी बेटी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तो नारद मुनि उनको देखकर फिदा हो गए। तो उनके मन में इच्छा जागी कि इससे तो मुझे शादी करनी है। तो फिर वो कृष्ण भगवान के पास गए, मतलब विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी को बोला कि विष्णु जी मुझे आप ये वरदान दो कि मैं मतलब मैं मुझे ऐसा रूप दे दो कि मेरे रूप को देखकर मतलब उसकी आंखें मुझ पे आके ठहर जाए। तो फिर विष्णु जी ने बोला कि ठीक है तथास्तु। तो विष्णु जी ने क्या किया, उसको बंदर का रूप दे दिया। अब नारद मुनि को तो पता नहीं, नारद मुनि बंदर का चेहरा जैसे देखने में पहुंच गए। तो सब लोग नारद मुनि को देखने लगे। तो फिर नारद मुनि को लगने लगा रे देखा विष्णु जी का जो आशीर्वाद है वो तो सफल हो रहा है, सबकी आंखें मुझ पे आके ठहर जा रही है। तो उसी तरह वो जो राजकुमारी थी वो भी जब वरमाला लेके घूम रही थी तो वो नारद मुनि के सामने आकर रुक गई कि और क्योंकि बंदर जैसे दिखने वाले के सामने तो सभी रुकेंगे। नारद मुनि बहुत खुश हो रहे थे अब मेरे गले में वरमाला डाला जाएगा, पर वो रुकी थोड़े देर, उनके तरफ देखा, उसको हंसी आ गई, वो चले गए। तो नारद मुनि ने फिर से अपनी जगह बदल के दूसरे साइड में आकर बैठे कि शायद वो ठीक से उसने देखा नहीं होगा, अब फिर से देखेगी तो पक्का मेरे गले में वरमाला डालेगी। पर उसने डाला नहीं, वहां पर उसने किसी के गले में नहीं डाला। फिर थोड़े देर में विष्णु जी आए उस सभा में और जैसे विष्णु जी एंटर हुए ये दौड़ दौड़ के राजकुमारी ने उनको अपने गले उनके गले में वरमाला डाल दिया और उससे शादी हो गई। इससे नारद मुनि बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने फिर ऊपर आके वैकुंठ में बहुत डांटा विष्णु जी को, बोले आपने मुझे धोखा दिया, ये क्या वो, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपने मुझे वानर का चेहरा दे दिया था। बाद में उन्होंने रिफ्लेक्शन पानी के रिफ्लेक्शन में खुद को देखा कि वो वानर जैसे देख रहे थे। तो उन्होंने कहा आपने मुझे वानर का वो दे दिया था, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी एक इनकार्नेशन में मेरे जैसे रूप वाले से ही आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो रामायण में वही होता है ना, सारे वानरों से ही हेल्प लेना पड़ता है राम भगवान को, और आप भी अपने प्रियतमा से बिछड़ के रहेंगे, मतलब दूर रहेंगे। तो सीता मैया से तो उनको दूर रहना पड़ता है, तो रामायण के लिए उन्होंने वो श्राप दिया था। तो विष्णु जी ने कहा मैं नतमस्तक होकर तुम्हारा श्राप एक्सेप्ट करता हूँ। विष्णु जी सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कोई वो नहीं करते। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ कि तुमने मुझे एक बार पूछा था कि माया क्या है, तो यही तो था माया, अब जाके देखो वो नगरी है क्या। तो फिर उन्होंने जाके देखा, नारद उन्होंने बोला नहीं कोई नगरी दिख ही नहीं रही है। तो बोला हाँ वो मैंने अपने माया से बनाया था। तो बोले मतलब, बोला कि वो जो राजकुमारी थी वो मेरी भक्त थी,
उसने बहुत तपस्या की थी मुझे एज अ हस्बैंड रूप में पाने के लिए, तो इससे मेरा दोनों काम हो गया, उसके तपस्या का फल भी मिल गया और तुम्हारे स्पिरिचुअल प्राइड से कि तुम कभी मतलब ये माया के उसमें नहीं आओगे, तुम उछल उछल के बोल रहे थे ना कि कामदेव के एरो ने तुम्हें हिट नहीं किया तो तुम माया में नहीं फंसे, तुम माया के ऊपर आ गए हो, तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि माया क्या है, तुम भी माया में फंस गए थे क्योंकि तुम्हारे मन में भी वो जाग गया था सुंदर स्त्री को देखकर कि उससे शादी करने का, और मुझे तुम्हें बचाना था क्योंकि मैं अपने हर भक्त को बचाता हूँ, इससे तुम्हारा स्पिरिचुअल फॉल हो जाता। तो इस तब तब नारद मुनि को रियलाइज हुआ और उन्होंने फिर माफी मांगी, बट एनी वे श्राप तो भोगना ही पड़ा विष्णु जी को। तो ये सेंटेंस का मतलब है, इसलिए मैंने स्टोरी फिर से रिपीट की कि लॉर्ड प्रोटेक्ट्स हिम फ्रॉम फॉलिंग डाउन टू अ मिजरेबल कंडीशन लाइफ। तो कृष्णा भगवान को अगर आपने सरेंडर कर दिया तो फिर कृष्णा भगवान जैसे तैसे करके आपको समझाएंगे। हाँ, उनके वेज थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये तो मैंने देखा है। कृष्णा भगवान के समझाने के तरीके बड़े खतरनाक होते, टेढ़े 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 टाइप से समझाते हैं, सीधे सीधे ऐसे टाइप से नहीं समझाते हैं। हाँ, वो अपने वैसे ही समझाते हैं, मुझे भी उसी टाइप से समझाते हैं। मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगी, वो ऐसे घुमा फिरा के एक आंसर देते हैं कि मुझे ही सोचने में थोड़ा सा वो लगे, बट एनीवे ही हेल्प्स ऑलवेज। तो आप लोगों को भी वो हमेशा हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि कृष्णा पे अगर हम सरेंडर करते हैं तो सारे वेदास के नॉलेज से भी वो ऊपर है। वेदास भी तो यही सिखा रहे हैं कि सरेंडर टू कृष्णा। तो बाकी सारे स्टेप्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। कृष्णा से प्यार, कृष्णा से भक्ति, यही हमारे लाइफ का एम होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो प्यूरिफिकेशन करना है, उसके लिए हमें मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, ब्रीदिंग, ये सारा कुछ करना होगा इसको फास्टर बनाने के लिए, सारे एस्पेक्ट्स को वो करने के लिए। वरना कृष्णा भगवान मुझे ये सिखाते ही नहीं, क्योंकि मैं पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही थी, लेकिन कभी मेरा बच्चा बीमार हो जा रहा है, कभी मैं बीमार हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा था, तो मेरी भक्ति अफेक्टेड होती थी। तो जब से उन्होंने मुझे योग प्राण विद्या का नॉलेज दिया तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये मेडिटेशन, हीलिंग, ये सारा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरी भक्ति वाला जो फैक्टर हो गया वो बहुत इम्प्रूव हो गया, क्योंकि टचवुड बीमार होने के चांसेस ही नहीं है। लगे भी बच्चा बीमार होना वाला, एक हीलिंग कर दो वो बीमार नहीं होता है। हमेशा मेडिटेशन घर में होता रहता है तो टचवुड कोई बीमार नहीं होता है। बाकी भी फाइनेंशियल वे से देखो, एनर्जी वे से देखो, सब कुछ में प्रोग्रेस ही हुआ है। सो इसीलिए ये सारी चीजें करनी, इनमें से किसी एक को भी कट नहीं करना है। आप, मैं जब अपडेट्स देखती हूँ, बहुत लोगों को देखते हो, कोई है जो चैंटिंग नहीं कर रहा, या तो कोई है जो मेडिटेशन फॉरगिवनेस नहीं कर रहा, ये सब मत करो। चार चीजें तो करनी ही है, ब्रीदिंग, फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, चैंटिंग, ये करो, सच में करो। अपने आप, अपनी वो रिजिडिटी से निकलो बाहर। कोई इतने बार बार बोल रहा है तो उसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा, मेरा क्या फायदा है ना, मैं इतना बार बार बोल रहा हूं, ट्राई तो करो। हम लोग का देखो अपडेट्स, हम लोग कोशिश करते वीक में मैक्सिमम टाइम ये सब करने की, तभी तो जाके एक स्टेट ऑफ एनर्जी हम मेंटेन कर पाते हैं ना, वरना बहुत डिफिकल्ट है। माया देखा ना आपने, माया के से कोई बचता है क्या? माया ऐसा, तो कृष्ण भगवान की रची हुई चीज कितनी स्ट्रांग है सोचो, नारद मुनि नहीं बच पा रहे, हमारी क्या औकात है। तो हमें ये कृष्ण डिवोशन के लिए ही, खुद को प्रिपेयर करने के लिए हमें बाकी चीजें करनी जरूरी है। तो वो इम्प्यूरिटीज निकालना है, अरहत योगा तक प्लीज करो। अरहत योगा में और अच्छे अच्छे टूल्स दिए जाते हैं, इनर रिफ्लेक्शन, ब्लू ट्रायंगल, जो जब आप वो इम्प्यूरिटी निकालोगे ना, आप मेजर करके देख सकते हो कि कितना निकला, और सच में मत पता चलता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं ये, बहुत लकी है जिन लोगों को ये सब टूल्स मिलता है। तो आप लोग प्लीज इग्नोर मत करो। आई थिंक हमें यहाँ स्टॉप करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब काफी लंबा सेशन हो जाएगा, आप फिर आप लोग सब सो जाते हो। तो हमने टेक्स्ट नंबर 22 तक बोल दिया, नेक्स्ट टाइम हम टेक्स्ट 23 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, चैप्टर 9 टेक्स्ट 23 से हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ एक और बात बतानी थी मुझे, अभी अभी याद आ रहा है। हाँ, याद आ गया, थैंक गॉड। लास्ट वीक ही हमारी डिस्कशन हो रही थी कि यूरोप में बोलो या बाकी फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर इंसान कम दिखते हैं और इंसानों के साथ डॉग्स बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो क्या बात है? तो फिर पता चला, किसी ने बोला कि लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में फंसने के लिए बहुत डरते हैं, और एक डॉग के साथ रिलेशनशिप इज वेरी इजी,
क्योंकि सच देखा जाए तो अगर आपने डॉग को मार भी दिया लात, फिर भी थोड़ी देर में अगर आपने उस डॉग को प्यार किया, वो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपने ऐसा क्यों किया, वो फिर आपसे प्यार करने लगेगा, वो खुश होने लगेगा। हाँ, चाहे आप डॉग को 10 दिन के लिए घर पे बंद करके चले जाओ, फिर से आप जैसे दरवाजा खोल के और डॉग आप पे उछल कर आपको प्यार करेगा। तो इसीलिए लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, एनिमल्स के साथ ही रखते हैं, इट इज सिंपल। बट अगर आप ये सोचकर देखो तो आई अग्री, लेकिन क्या हमारे रिश्ते ही हमारा ग्रोथ नहीं करवा रहे? हमारे रिश्ते जो हैं, मैं मानती हूँ हम में से किसी के पास परफेक्ट रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, लेकिन वो इम्परफेक्ट रिलेशनशिप्स के वजह से ही कि क्या हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा? तो जितने भी हमारे लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं उनसे भागो मत, डोंट रन फ्रॉम देम। भागोगे ना तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। मैंने आज तो आपको सेशन में सिखाया कि टैकल कैसे करना है, इतने बार सिखा रही हूँ टैकल कैसे करना है, टैकल करने के टूल्स तो दे रही हूँ आपको, अपने हिसाब से अपने औकात के हिसाब से टैकल करो, बट भागो मत। क्योंकि ठीक है अभी तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो चीज सीखनी है वो तो सीखनी ही है ना। इस बर्थ में नहीं सीखोगे तो नेक्स्ट बर्थ में और ज्यादा चीजें सीखनी होगी। मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, अगर आप अगर 6 सब्जेक्ट हैं उसमें से आप 4 में पास हुए 2 में फेल हुए, एटी केटी बोलते हैं ना उसको, आता तरी काढून टाक, मुझे नहीं पता उसका फुल फॉर्म। हाँ, तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट वाले टर्म में वो पुराने 2 सब्जेक्ट्स प्लस 6 सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है। तो उसी तरह हम अगर इस इनकारनेशन में जो चीज सीखना नहीं सीखते हैं तो नेक्स्ट इनकारनेशन में वो हमें मतलब बढ़ते रहते हैं हमारे ऊपर कंधे पे बोझ। तो किसी भी चीज से भागो मत। आपको पिन चुभ रहा है ना, कोई रिलेशनशिप आपको बहुत चुभा रहा है, थोड़े देर दूर हो जाओ, दूर इन द सेंस खुद को बचाने के लिए, आ करने के लिए, हाथ फेरने के लिए अपने घाव पे, लेकिन उसके बाद देन अगेन फेस इट। भागने से कुछ नहीं होता, भागने से कुछ भी नहीं होता, ये तो है श्योर। हम कितने दिन भागेंगे, कितने देर भागेंगे, कितने इनकारनेशन भागेंगे? जो सीखना है वो तो सीखना ही है ना। हमें एक लेक्चर अच्छा नहीं लगता, हम उस लेक्चरर से भागते हैं, उसके टेस्ट से भागते हैं, पर फिर तो हम पास ही नहीं होंगे। तो कोई किसी चीज से भागो मत, राइट नॉलेज लो और राइट अप्रोच यूज करो। एक्सपेक्टेशंस एकदम कम रखो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कम रखो, और बाकी गिव इट अ शॉट। और कृष्णा है ना हमारे साथ, तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट थैंक यू प्रेयर बोल देते हैं कृष्णा को। हे कृष्णा भगवान, आपकी बहुत बहुत कृपा कि आप हमें इतना प्योर नॉलेज, इतना वंडरफुल नॉलेज दे रहे हैं। वो सारे दिव्य दूत, देव दूत, वो सारे दिव्य आत्माएं जो इस सेशन में हमें हेल्प कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से ये नॉलेज हमारे तरफ पहुंचा रहे हैं, उन सभी मास्टर्स को, उन सभी हायर बीइंग्स को थैंक यू सो मच। आपकी कृपा के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू सो मच कि आप हमें इस लायक समझते हैं कि हमें ये नॉलेज दे रहे हैं, इतना पेन, इतना एफर्ट्स ले रहे हैं कि हमें ये नॉलेज पहुंचा रहे हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि इस नॉलेज का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, हम इस नॉलेज को डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, हम आपका हार्डवर्क वेस्ट नहीं होने देंगे, हम खुद भी सीखेंगे दूसरों को भी सिखाएंगे, हम इस अर्थ को एक वंडरफुल प्लेस बनाकर ही रहेंगे, हम सनत कुमार जी को उनके काम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हमसे जो बन पाता है, हम सनत कुमार जी जो इस अर्थ के गॉड हैं, जो इस मेन अर्थ के केयर टेकर हैं, जो प्लेनेटरी गॉड हैं, उनको जो भी हेल्प कर सकता हम करेंगे, उनको हेल्प करके ही हम कृष्णा को हेल्प करेंगे, क्योंकि कृष्णा भी उनके सृष्टि के लिए बहुत कंसर्न्ड है। कृष्णा अपनी सृष्टि से बहुत प्रेम करते हैं, तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उनका प्रोजेक्ट फेल ना हो और वो प्रोग्रेस ही करे, ग्रो ही करे। इसके लिए हम खुद को इम्प्रूव करेंगे। अगर हम सब ने डिसाइड कर लिया कि हम खुद इम्प्रूव होंगे तो फिर हमारा वाइब्रेशन ही बढ़ जाएगा, तो अर्थ को, धरती माँ को हम वो दवाई का लेप लगा सकते हैं जहां जहां उनको दुख रहा है।
हम दुखी होकर परेशान होकर धरती माँ को और तकलीफ नहीं देंगे। वो वैसे ही बहुत तकलीफ झेल रही हैं, उनके शरीर पर काफी तकलीफ काफी घाव है। तो हम मेडिटेशन करके रोज मदर अर्थ को ब्लेस करके उनके घाव भरेंगे। हम चैंटिंग करके दूसरे लोगों को भी हेल्प करके मदर अर्थ के वाइब्रेशंस को इम्प्रूव करेंगे। हम लोगों का दुख दूर करके भी मदर अर्थ के वाइब्रेशंस को इम्प्रूव करेंगे। हमें ये काबिलियत दीजिए, इतना सोल स्ट्रेंथ दीजिए, इतना नॉलेज दीजिए, इतनी प्योरिटी दीजिए। हम ब्लेस करते हैं हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके फ्रेंड्स, उनके एसोसिएट्स, उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके इन-लॉज को, सबको विद गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी, इनर पीस, इनर फॉरगिवनेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल प्राइड, स्पिरिचुअल फॉल, डिवाइन एनर्जीज। मे वी ऑल बी ब्लेस्ड, मे मदर अर्थ बी ब्लेस्ड, सो बेट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। प्लीज फॉरगिव अस इफ एनी ऑफेंसेज वेर कमिटेड ड्यूरिंग द भगवद गीता सेशन। प्लीज शो अस द राइट पाथ। थैंक यू इन फुल फेथ, सो बेट। हरे कृष्ण, बाय बाय, एंजॉय योर वीकेंड। जल्दी जल्दी भगवद गीता सुन लो, फिर से नेक्स्ट वाला आ जाएगा। बाय बाय।